sitting down. I'm Ajay Saini, professor at Center for Rural Development and Technology at IIT Delhi. And I'm one of the PIs of the technologies that were demonstrated to you yesterday. Along with me is and with us in this session, so we would have a scientist from IHPT who would address your queries. So may I request the scientist to please come on the dais? So we want to keep this session extremely interactive, whereby you can express your opinion about the technologies that were demonstrated to you. So there were around 38 technologies that you have seen, heard about, and the experts have given their opinion. All right, so I'm told that Hindi language would be a better medium of communication. I'll try. My Hindi is not that good though. So abhi is session mein hum aapse janna chahenge ki kal jo technologies aapne dekhi hain un technologies mein se kya kis technology ko aap samajhte hain ki field mein aap leke jana chahenge. Dusra hai ek second jo part hai is interaction session ka wo ye hai kuch samasyaen jo aap apne areas mein dekhte hain या आपके जो एसोसिएटेड दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेस करते हैं तो उनको किस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से मिटिगेट किया जा सकता है. तो पहला तो है मुख्य बिंदु ये कि 38 टेक्नोलॉजीज और सो जो आपने कल देखी हैं उनमें से क्या आपको लगता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपके एरिया में एप्रोप्रिएट है, राइट? और उससे रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न होंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपर्ट पैनल है साइंटिस्ट का जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी डिवेल्प की हैं. तो ये आपके क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो ये उनको लेंगे. तो आई वुड रिक्वेस्ट समबडी फ्रॉम आईएचपीटी टू इंट्रोड्यूस द एक्सपर्ट्स, द साइंटिस्ट. नमस्कार, आप सभी का आज के दिन जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें बहुत बहुत स्वागत है. माई सेल्फ डॉक्टर सुखविंदर सिंह और मैं यहाँ पे जो सी एस आर एच पी टी की टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र होती हैं जहाँ आगे लेके जाते हैं जो हमारे साइंटिस्ट डेवलप करते हैं उसके बाद हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं उसमें हमारा रोल रहता है बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग यूनिट का. वो हम इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इन टेक्नोलॉजीज़ को आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं. तो सबसे पहले है कि जो हमारे यहाँ डाइस पे हैं डॉक्टर सनत सुजात सिंह हैं और वो हेड ऑफ एग्रो टेक्नोलॉजी भी हैं. उसके बाद डॉक्टर अशोक यादव जी हैं और इन्होंने अभी जो ये भी एग्रो टेक्नोलॉजी अपने हमारे विभाग से हैं और ये हींग और अदर क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा. और इसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर बबे बाज, अभी सी एस आई फ्लोरिकल्चर मिशन में इन्होंने जो है यहाँ से जो क्रॉप्स हैं हम चाहे हिल एरियाज में हैं या प्लेन एरिया में हैं कट फ्लावर और लूज फ्लावर्स का तो उस मिशन में हम एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर मिशन में एक्सपेंड कर रहे हैं अंडर फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स फॉर दी सोशल बेनिफिट ऑफ दी सोसाइटी. और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष बरगट. तो जैसे आपको पता है कि आजकल का जो युग है हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स पे काफ़ी फोकस है सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई दी प्लांट्स इन नंबर्स तो और क्वालिटी भी मेंटेन करनी है तो वहाँ पे हमारे साथ हाइड्रोपोनिक्स का काफ़ी रोल रहता है. वो हम बाद में बताएंगे हमारे पास जो हम टेक्नोलॉजीज हम दे चुके हैं इसके अराउंड हाइड्रोपोनिक के नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज को भी एंटरप्रेन्योर्स को भी और वो काफ़ी अपना आउटरीच भी कर चुके हैं. तो जैसे सर ने शुरू किया कि आपकी तरफ से जैसे कल का आपकी विजिट रही है टी एस आर आई जी बी टी में वहाँ पे आपने बैम्बू म्यूजियम विजिट किया है फिर हमारे चांदपुर फार्म का है एरोमेटिक क्रॉप्स का वो भी आपने विजिट किया है और शिटाके मशरूम आप विजिट कर चुके हैं पायलट प्लांट की फैसिलिटी भी आपने विजिट की है और आप वहाँ देखेंगे कि हमने बैम्बू म्यूजियम में नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज जो थी वो वहाँ पे हमने डिस्प्ले की थी शोकेसिंग की थी कि आपने वहाँ देखे होंगे कुछ सीड्स थे हमने रखे हुए फिर उसके अराउंड जो स्लाइड थी रोमा मिशन का था हमारे पास और फिर फ्लोरिकल्चर मिशन का भी था कवर और वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स का भी है. इसके अराउंड हमारे पास जो
रहते हैं हमारे कुछ स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स भी थे, वो भी हमने डिस्प्ले किए थे। तो आपने जो विजिट की है उसके बेस पे, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला है कि वहाँ पे जो आपकी क्वेरीज हैं कुछ हैं, तो हम उनको आगे प्रोसीड कर सकें ताकि आपका आगे जो इंटरेस्ट है उसको हम आगे ट्रांसलेट कर सकें, जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू आगे, अगर आपका इंटरेस्ट है या किसी और मोड पे हम कोलैबोरेट कर सकें। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप वन बाई वन जो है अपना कोई इंटरेस्ट है या क्वेरी है आपकी, जो डाउट है वहाँ पे विजिट के दौरान आपका कुछ जो क्लियर नहीं हो पाया, वहाँ पे कुछ डाउट रह गया है, तो हम यहाँ पे भी, हम नहीं चाहते कि आप कुछ डाउट के साथ कुछ आपके ऐसे मुद्दे रह जाएं जो बिना क्लैरिफिकेशन के आप यहाँ से जाएं, उसके बाद भी रह जाएंगे तो हम लास्ट में आपको अपना नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट ही हमारा है जो आपसे आगे, आपका और हमारे जो है टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पूरा तालमेल कराता है। तो आप प्लीज़, आपसे निवेदन है कि आपका कोई भी है क्वेश्चन है क्वेरी है वो आप वन बाय वन हमें बताते जाएं और उसको आगे हम प्रोसीड करें। जी प्लीज़। हाँ जी डॉक्टर साहब। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी कॉमन समस्या है किसानों की, और वो केवल उनकी नहीं। सर आप अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मैं सुधाकर पांडे, NIT रायपुर से, बीइंग RCI कोऑर्डिनेटर, आई एम हियर जॉइन दिस प्रोग्राम। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द एंटायर स्टेट छत्तीसगढ़ हियर, एंड माय अदर कोलीग्स फ्रॉम डिफरेंट PIs आर हियर ऑल्सो। कल हम लोगों ने देखा कि एक यूनिट आप दिखा रहे थे जिसमें सेब को सुखा देते हैं और उसके बाद वो बाद में यूज होता है, क्रिस्पी फ्रूट का। क्रिस्पी फ्रूट। वही देख के मुझे एक चीज समझ में आई कि हमारे यहाँ जो समस्या है वो टमाटर को लेके बहुत बड़ी समस्या है। जी। टमाटर, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं 10 रुपए में 3 किलो टमाटर भी खरीदता हूँ और 100 रुपए का 1 किलो भी खरीदता हूँ, किंग कस्टम। फिर न्यूज़पेपर या गांव में भी मैंने देखा है कि मुझे टमाटर खुद रोड पे फेंके हुए दिखे हैं, और वो ऐसे थे कि मतलब अच्छे थे। इसका कारण पता करने पे पता चला है कि इसमें तोड़ने के बाद या तोड़ने का जो खर्च आएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च आएगा, आज की तारीख में वो भी नहीं मिल रहा है। और स्थिति एक ऐसी आती है जब 100 रुपए में भी बिकता है। तो क्या उस टेक्नोलॉजी को हम लोग टमाटर के लिए यूज कर सकते हैं क्या, या अगर एग्जैक्टली वो टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ और है, तो इस तरह का सोल्यूशन। और मैंने ये समस्या छत्तीसगढ़ में ही नहीं, MP में भी देखी है, क्योंकि मैं रहने वाला UP का हूँ और बाई रोड में MP क्रॉस करके जाता हूँ, तो वो दिक्कत मुझे वहाँ भी दिखती है, शायद और भी स्टेट्स में ये हो। तो ठीक है सर, आपकी बात, ये खाली आपकी स्टेट में नहीं है। देखिए, ये जो ग्लट आता है ना कई बार जो मार्केट में आता है, जहाँ उनके एक्चुअली ये जो क्रॉप्स हैं काफ़ी प्राइस वोलेटाइल क्रॉप्स हैं, जो हमारी कमर्शियल जहाँ कई है ना, जिनका हम बोलते हैं कि जो जिनकी ड्यूरेशन कम है, पेरिशेबल क्रॉप्स हैं, तो इसमें वैसे भी लॉसेस तो रहेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी रहेंगे। और इसमें आपने वैल्यू एडिशन की बात की है कि हम उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारे साथ डॉक्टर महेश गुप्ता जी हैं। तो वो अभी सर आ रहे हैं, तो उसकी क्वेरी का हम आपको डील कर लेंगे। मगर जैसे टमाटो की आपने बात की है, इसमें क्रिस्पी फ्रूट में तो नहीं सर ये जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। देखिए, हमने जो क्रिस्पी फ्रूट्स पे काम किया है, इस पे हमारे पास बनाना भी है, इसमें है मैंगो पे है, फिर हमने बड़ा अच्छा काम इस पे चीकू पे किया है, और अदर क्रॉप्स भी हैं, जैसे आपका ये है कुछ वेजिटेबल्स पे भी हमने काम किया है। तो टमाटो पे हमने, इन्होंने ट्राई तो किया था डॉक्टर महेश ने, अभी आने वाले हैं, तो वो क्वेरी आपकी डील करवा देंगे। इसके अलावा जो वैल्यूडिशन है अदर फॉर्म्स में, उसका हम स्कोप दे सकते हैं, चलो नॉट इन दी फॉर्म ऑफ जो है क्रिस्पी फ्रूट्स की, और बाकी जो फॉर्म्स हैं उसमें हम इसका स्कोप दे सकते हैं। इवन इसी तरह की समस्या अगर मैं याद करूँ तो फरुखाबाद क्षेत्र है, फरुखाबाद और कन्नौज उत्तर प्रदेश में, वहाँ आलू बहुत अच्छी होती है। आलू और लास्ट में स्थिति ये हो जाती है कि किसान उसको निकालता भी नहीं, उसी में पानी भर के
पलटी करवा देता है और वो कहता है कम से कम हमारे खाद के काम तो आ जाता है, आप फ्लोइंग कर लेते हैं। तो इस पे थोड़ा सा अगर काम नहीं है तो ध्यान देना पड़ेगा। हमने एक प्रोजेक्ट भी सबमिट किया है उन्नत भारत में, हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर अमित, तो अमित राज, तो उन्होंने कुछ इन्वेंट्री का सोल्यूशन हमको दिया कि इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन में सर कुछ कर सकते हैं, बाकी स्टोरेज को लेके या मतलब ऐसा कल एक हमको दिखा तो मुझे लगा शायद इसमें कुछ हो सके। ठीक है, आप स्टोरेज की बात कर रहे हैं, स्टोरेज का तो नेचुरली करते हैं फार्मर्स ना, पोटैटो का स्टोरेज का है, मगर है नहीं क्योंकि मार्केट में हम और आप दोनों लोग खरीद रहे हैं, बिल्कुल हमको इफेक्ट दिखता है। नहीं, प्रोडक्ट्स तो हैं सर उसके अराउंड, जो पोटैटो के इवन टमाटो के अराउंड हमारे नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ आइडिया है ऐसा है कि आप ये बनाना चाहते हैं, उससे प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हैं, उसके अराउंड भी हमारा काम हो जाएगा। तो डॉक्टर महेश, इनका क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर महेश गुप्ता जी आते हैं हमारे बताते हैं अभी, हाँ कल आप इनका, हाँ जी, इसमें इन्होंने एक तो टोमेटो के ऊपर पूछा है कि जैसे क्रिस्पी फ्रूट का टेक्नोलॉजी है टोमेटो के ऊपर, तो एक वो चाहते हैं, दूसरा ये वैल्यू एडिशन टोमेटो के अराउंड अदर फॉर्म में, अगर वहाँ भी नहीं हो सके कि क्रिस्पी में तो अदर फॉर्म में हम कहाँ कहाँ इनको वो करके ले सकते हैं, दूसरा इनका पोटैटो के ऊपर। थैंक यू। टोमेटो के ऊपर सर हम इनको प्यूरी पेस्ट एंड प्रोसेस टोमेटो इन द फॉर्म ऑफ समथिंग केचप के रूप में किया जा सकता है, मतलब फॉर्म उसका चेंज हो जाएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगा सर। अगर आप जैसे आपने कल सेब में किया वैसा नहीं हो पाएगा, नहीं देखिए अगर उसमें करना चाह रहे हैं तो हो जाएगा, बट एप्लीकेशन क्या होगी, अप्लाई एप्लीकेशन कहाँ करनी है। नहीं जैसे मान लीजिए आपने उस तरह से उसको ड्राई कर दिया और वो 2-3 महीने बाद उसी तरह से जैसे सेब आप पानी में डाल के फ्रेश कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ उसमें हो सकता है क्या? सर हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, स्नैक्स के रूप में खाना, क्योंकि हमने हमारी वो उस बेस पे बनाती है कि उसकी कंजप्शन कैसी हुई, जो आपने कल खिलाया है वो स्नैक्स होगा, उसके लिए उस तरीके की प्रोसेसिंग करेंगे। अगर आपने उसको सूप में डालना है, आइसक्रीम में डालना है, तो उसका पाउडर बनाएंगे हम। आपने क्या करना है, क्रिस्पी एक अलग चीज़ है, क्रिस्पी एक प्रोडक्ट नहीं बनाना है, उसमें आप पाउडर भी बना सकते हो, पीसीज भी काट सकते हो, राउंड भी कट कर सकते हो, बोले एप्लीकेशन फाइनल क्या होगी। अब जैसे एक तो सब्जी में यूज करते हैं, ठीक है, तो चलिए उसमें तो आप पेस्ट बना के या पाउडर बना के यूज करते हैं, सेम होगा वो। सैलेड के लिए आपको उसी फॉर्म में दोबारा चाहिए होता है? हाँ सैलेड के लिए चाहिए होता है सर, हो जाएगा, बट आप उसकी आरओआई आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी आरओआई सस्टेनेबिलिटी, बल्कि जो कहते हैं कि हम एक जो प्रोडक्ट है वो सेल्फ सस्टेन हो जाएगा आई डोंट थिंक, क्योंकि वो कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, कॉमन फ्रूट के लिए या वेजिटेबल के लिए वो शायद आपको बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि वेजिटेबल्स के केस में फॉर्म चेंज ही करना पड़ेगा, फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, नहीं कुछ सभी में नहीं, मे बी सम, जैसे अब कल आपने एक बार भिंडी का भी नाम लिया था। जी भिंडी का नाम लिया, भिंडी भी हो जाएगी। एक्चुअली भिंडी का ये इशू है सर कि भिंडी को जब आप इस फॉर्म में लेके आते हैं जो कि डायरेक्टली वेजिटेबल में यूज होती है, भिंडी सारा साल नहीं मिलती है, टमाटो सारा साल मिलता है, तो आपको 40 से लेकर 50 रुपए किलो तक, ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपए किलो तक आपको मिल जाएगा, पर भिंडी आपको 200 रुपए किलो भी मिलती है किसी सीजन में जब कि स्टोर की आती है, तब आपकी कॉस्ट उसमें कवर हो जाएगी। मैं वही चाह रहा था, और शायद इंसान सब्जी ज़्यादा खरीदता है फल कम खरीदता है, वो भी ठीक है, बट सर देखिए ना भिंडी का ऐसा है कि आप किसी रीजन में शायद नहीं भी मिलती है, वो इंडिया का कुछ ऐसा पार्ट भी है जहाँ भिंडी नहीं भी मिलती है, तो आप वहाँ भेज सकते हो उसको ट्राई करके, फिर तो इसकी ईओआई निकल आएगी, आरओआई सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप टोमेटो के अराउंड जो भी चाहेंगे हम, वी आर हैप्पी टू डू। मैडम वेजिटेबल्स हमने उसमें किया हुआ है, एक बीन्स को किया हुआ है, एक बीटरूट को किया हुआ है, पीस को किया हुआ है, इवन इसके अलावा हमने पंपकिन, इवन लौकी, ये 5 वेजिटेबल्स, जिंजर एंड टर्मरिक आल, जो रॉ टर्मरिक आती है क्योंकि काफ़ी अच्छी उसकी प्रोक्यूमेंट कंटेंट की वजह से लोग उसको यूज़ करते हैं काढ़ा बनाने में, इवन डायरेक्टली कंज्यूम करने में, उसको भी हमने ट्राई किया हुआ है अपने लेवल पे, वो हो सकता। हाँ बताइए सर, मैं डॉक्टर अनुपम तिवारी, RCI NIT रायपुर,
डॉक्टर सुधाकर पांडे सर के नेतृत्व में हम लोग आए हैं, दो पीआई डॉक्टर अनुपम तिवारी और डॉक्टर निकेश शुक्ला। सर हमारा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी है और हम लोग डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी है, करगी रोड कोटा बिलासपुर ट्राइबल एरिया में सिचुएटेड है हमारा यूनिवर्सिटी, और विभाग रूरल टेक्नोलॉजी है। और इस पे यूबीए के थ्रू भी और अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी हम लोग छोटे छोटे स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे कि हैंडमेड सोप पे, हैंडवाश, फ्लोर क्लीनर्स के आइटम्स हैं, और आगे हमारा रिसर्च लिप बॉम वगैरह पे भी है। स्टीविया का भी माइनर प्रोडक्शन है हमारे पास, अबाउट 200 वेराइटीज का हम लोगों के पास हर्बल गार्डन है। कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ विजिट किया, मेडिसिनल गार्डन भी गए और कुछ प्रोसेसिंग यूनिट भी देखे, लेकिन सर जो यूनिट हमने देखा है वो काफ़ी बड़ा है। और हमारे तरफ का जो प्रोडक्शन है, जैसे हमने अभी 4 से 5 एकड़ एरिया पे हर्बल गार्डन डेवलप किया है, तो हम लोगों को पहली बात तो ये है कि एक मिनी यूनिट, स्मॉल यूनिट की आवश्यकता है। एक तो यूनिट इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ से हमें क्या मदद मिल सकती है और उसका क्या डीपीआर हो सकता है, उस पर मदद होगी सर, और लो कॉस्ट पे होना है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे बल्क में क्लस्टर डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा है, जो हमारे पास छोटा मोटा प्रोडक्शन है वो है। तो इतनी बड़ी यूनिट तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो एक तो स्मॉल यूनिट पे, दूसरा चीज़ जो हम लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हमारा भी सोप है और पीयर से 10 टाइम बेटर है जो हमने यूज़ पे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ की सपोर्ट की हमको आवश्यकता हो रही है सर, जैसे कि उसका TFM के लिए टेस्टिंग, इसका हम कहाँ करवा सकते हैं, हमारा जो हर्बल हैंडवाश है उसकी हम टेस्टिंग कहाँ करवा सकते हैं, तो क्या CSIR हमको टेस्टिंग का फैसिलिटी दे सकता है। और दूसरी एक और बात सर मैं इसी में जोड़ना चाहूँगा, टर्मरिक का प्रोडक्शन है तो क्या उसका कुकुरमिक लेवल का टेस्टिंग यहाँ हो सकता है, ये सब चीज़ों पर हमारी क्वारीज थे सर। तो सर सर इसमें जैसे आपने डिस्टिलेशन यूनिट की बात की है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी हैं इसके अराउंड, इसका हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है मिनी डिस्टिलेशन यूनिट, और उसकी हम टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं। दूसरा है, हमने टेक्नोलॉजी नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे ट्रांसफर भी की हुई है, अगर आपने यूनिट ही लेना है तो हाँ हम आपको उनसे टाई अप करा सकते हैं, आप उनसे यूनिट ले सकते हैं। ये दूसरा है, एक होता है ना कि मैं खुद यूनिट बना के आगे मार्केट में बेच भी सकूं और इस्तेमाल भी करता हूं। दूसरा है कि आपने कहा आपको खाली यूनिट चाहिए, यूनिट आपको मिल जाएगा, वो हम आपको अपना जो इंडस्ट्री पार्टनर है उनसे टाई करा देंगे। और आपने टेस्टिंग की बात की है सर, है ना, तो उसमें आप देखेंगे हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे, नंबर ऑफ टेस्ट वहाँ पे मेंशन है जो क्वालिटी के हैं, एनालिटिकल टेस्ट हैं, ACSIR का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन, और आपको जिस चीज़ की टेस्टिंग चाहिए तो वहाँ पे सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। फिर भी कोई आपकी डाउट है तो आप मेरे से बात कीजिए, अगर सैंपल की आपने जैसे उसकी इसकी टर्मेरिक की बात की है, उसके आपने कंटेंट या क्वालिटी का एनालिसिस कराना है तो उसका आप हमें सैंपल भेज सकते हैं, वो भी हम बात कर लेंगे अपने जो हमारी टीम है एनालिटिका की, तो वो भी आपका हो जाएगा। और वो चार्जेबल है सर? जी चार्जेबल। और जो हमारा कुछ और प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ भी सोप हमने देखा, पैकेजिंग सोप है या कुछ आइटम उस टाइप के आइटम यदि हम बना रहे हैं, जैसे हर्बल गुलाल का प्रिपरेशन है या सोप का हैंडमेड का, तो वो टेस्टिंग भी अवेलेबल है सर? टेस्टिंग है सर। ओके सर, आपका अगर जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते भी हैं जी, एक तो बना लिया सर आप बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, तो उसको हम कोलैबोरेटिव बेसिस पे आपकी R&D नीड बेस्ड पे आगे प्रोजेक्ट फॉर्म में प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप तो ऑलरेडी इसमें हैं बिजनेस में, आपके पास आइडिया है, आप इस सोप की बात कर रहे हैं, जहाँ सोप से हट के आप थोड़ा सा कुछ और प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो उस पर भी हम आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अभी 4-5 प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं सर, और हर्बल गार्डन का भी प्रोडक्शन एक डेमोस्ट्रेशन प्रिंट आप यूज से किए हैं जो फार्मर्स हैं उनको हो करके, पर हम लोगों के रिक्वायरमेंट मिनी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। और अभी उन्नत भारत अभियान में हमने स्किल पे इसका मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग पे प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है। आपकी क्या वहाँ फार्मर सोसाइटी है जिन जो फार्मर के साथ आप काम कर रहे हैं? नहीं सर, वो बड़ा ग्रुप तो नहीं है फार्मर का, पर हमारे यहाँ छोटे छोटे फार्मर हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, तो जो हमारे 5 adopted village हैं
उनके फार्मर्स हैं, आसपास के और विलेजर्स हैं, तो उनके साथ काम कर रहे हैं और मिलेट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं सर। हमारे यहाँ भी मिलेट मिशन लॉन्च हुआ है, तो कोदो और कुटकी की प्रोसेसिंग पे भी हम लोग अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ अपने आसपास के गांवों में। तो अभी कोदो और कुटकी की जो कुकीज़ है उसका डेवलपमेंट में हम लोग लगा है। अभी इस मंथ हमारी मिनी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। मिलेट्स का क्या कर रहे हैं सर आप? मिलेट्स का प्रोसेस, एक तो सर उसमें तो एक बड़ी यूनिट हम डिंडोरी के आसपास का एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी हम लोग ला रहे हैं, जिसमें जो कोदो या कुटकी बोलते हैं जो मिलेट्स है उसका राइस निकालना प्रोसेस करके, क्योंकि जो मार्केट में जो कोदो के नाम से दिखता है सर उसमें छोटे छोटे चावल के पार्ट्स मिला दिए जाते हैं, तो वो ओरिजिनल निकलेगा और आफ्टर जो राइस मेक करने के बाद उसकी कुकीज़ है डिफरेंट फ्लेवर में या फिर और बेकरी के प्रोडक्ट हैं और ऐसे मिलेट्स का मतलब जैसे आटा या हाई प्रोटीन और उसके मिला के पोषक तत्व वाले आटा बनाने का काम भी पैकेजिंग उसमें का काम कर। आपने हमारे देखे यहाँ पे मिलेट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं सीरियल एंड मिलेट बेस्ड हुए हैं, हमने बनाए हैं कुछ इसकी बार्स हैं, हमारी प्रोटीन बार्स हैं जी, पाउडर फॉर्म में भी हैं सर जी जी। आप अगर चाहें तो हम वहाँ भी आपको टेक्नोलॉजी जी सर हम लोग की बड़ी यूनिट का प्लान कर रहे हैं सर, तो उसमें हमको आपके यहाँ से कंसल्टेंशन की आवश्यकता होगी और उसके प्रावधान भी क्या होंगे वो भी हम लोगों को यहाँ के थ्रू करने पे क्या कोई सब्सिडी का हमको लाभ मिल सकता है सर? देखिए जो हमारे यहाँ से जाती है टेक्नोलॉजी देती है हम देते हैं, अगर आप फार्मर ग्रुप हैं या माइक्रो स्केल की इंडस्ट्रीज हैं तो प्रावधान है हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फी में कितना हम कर सकते हैं, और बाकी हमारी तरफ से यहाँ ट्रेनिंग देती है, जैसे आपने हम एक एग्रीमेंट आपके साथ साइन करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ना, तो आपका जैसे फार्मर्सी ग्रुप है या माइक्रो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है आपकी फॉर्म, उसके अराउंड हम उसको कर देते हैं उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जितना भी कर सकते हैं। फिर हर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हम एक यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं प्रोडक्ट कैसे बनेगा, फिर पूरा हम एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं आपको, ठीक है, उसमें सारा प्रोसेस होता है, नो हो है कैसे बनेगा वो, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होंगे, कितनी कैपेसिटी के होंगे ये सारी, और मैन पावर क्या लगेगी, ये पूरी रिपोर्ट आपको दी जाती है, जो हमारे पास टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं वो भी शेयर की जाती हैं आपको, जिसके बेस पे हमने वैलिडेट की हमारी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जब आप वहाँ पे सेटअप करते हैं अपना यूनिट वहाँ भी आपको हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, इसके अलावा कोई भी और आपको प्रॉब्लम आती है उसकी भी हम उसको रेक्टिफाई करते हैं टाइम टू टाइम, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसमें आप जब प्रोडक्ट मार्केट में आउटरीच भी कर देते हैं, फिर कई बार होता है कि कस्टमर जो है वो अपना फीडबैक देता है कि इसका थोड़ा सा फ्लेवर जो है, कस्टमर एक्चुअली वो वहाँ से फीडबैक ही आती है मार्केट से, इसको फर्दर हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं या क्या टेस्ट होना चाहिए या क्या क्वालिटी, उसके अकॉर्डिंगली भी मॉडिफाई कर लेते हैं। थैंक यू। हेलो, थैंक यू सर। जस्ट अ मोमेंट, एक थोड़ा सा डिस्कशन को हम स्ट्रक्चर करेंगे। इसमें एक तो हमें है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आप आरसीआई हैं, पीआई हैं, दूसरा है कहाँ से हैं, और दूसरा है जो टेक्नोलॉजीज आपने देखी हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट की हैं आपको, आपका इंटरेस्ट किस टेक्नोलॉजी में है, अगर जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है। दूसरा है आपका कोई प्रश्न हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो एक्सपर्ट पैनल है यहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे। तीसरा है कोई ऐसा टेक्नोलॉजी जो आप सोचते हैं डिवेल्प हो सकता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको साइंटिस्ट यहाँ पे थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन उसको मिटिगेट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर में रखेंगे इसको। दूसरा है जितना हमारा डिस्कशन हो रहा है हम उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे, और फिर इसको मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हम प्लान कर रहे हैं ताकि इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैन कम फ्रॉम दिस डिस्कशन। या प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ऑल ओवर इंडिया से आए हुए सारे पीआईज, कोपीआईज और स्टाफ के जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनकी तरफ से हम अपने इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, स्टाफ, साइंटिस्ट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया जानकारी हमारे ग्रुप को प्रोवाइड कराई और इतनी बढ़िया हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड कराया। दूसरी चीज़, मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में और उन्नत भारत अभियान का पीआई हूँ। मैं वेस्टर्न यूपी और उत्तरांचल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर
प्रोफेसर आशीष पांडे जी हैं, मेरे साथ तीन चार लोगों की टीम आई है जिसमें नीरज जी हैं, पीछे नितिन जी वगैरह बैठे हुए हैं। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं इसके पहले 10-12 साल ICR में भी था और टीचिंग में भी था, तो समस्या दूसरी आती है। फार्मर से हम कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को आप अपनी फील्ड पे लगा लो, जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं मशरूम, हम फार्मर से कहते हैं मशरूम अपनी फील्ड पे लगा लो, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता या लगाने के लिए तैयार नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम 2-4 यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करके उसमें कुछ सेंटर टाइप का डेवलप करके, जैसे मशरूम हो गया, हींग हो गया, या जो नियर बाई में हम कर सकते हो, वहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बना करके यूनिवर्सिटी वो प्रोवाइड करा दे, स्ट्रक्चर वगैरह जो उसके लिए रिक्वायरमेंट हो, बिल्डिंग्स हो गया, AC वगैरह हो गया, आपकी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए, वहाँ पे हम एक छोटा सा सेटअप बना दें, उस सेटअप को नियर बाई के जो फार्मर्स हैं वो आके देख लें, देखने के बाद समझ लें, संतुष्ट हो जाए, तब वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं आपकी तरफ से? सर देखिए, जैसे आपने अभी बताया, आपने अपने विचार दिए हैं, तो इसमें आपकी एसोसिएशन के साथ ना जो भी है कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर हम कुछ चीज़ें सेटअप कर सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा है कि जैसे हम अभी बताएं अरोमा मिशन में हमने किया है, जैसे आपने बोला कि फार्मर्स देख के, फार्मर तभी अडॉप्ट करता है। अगर फार्मर्स हम कहें 5 लाख रुपए फील्ड पे लगा दो, हम इस तरह के आपको खेती बता रहे हैं, आप इस तरह प्लांटिंग कर लो, तैयार नहीं होगा फार्मर ना, सक्सेस स्टोरी देख के ही आगे तैयार जी। तो हम चाह रहे हैं मॉडल टाइप का, हम नहीं कह रहे ऑल ओवर इंडिया में हम कर रहे हैं, एक शिमला में इसके आसपास हो जाए, ईस्टर्न यूपी में हो जाए, 2-4 इस तरह की यूनिवर्सिटीज से कुछ। किस यूनिट पे आप करना चाहते हैं? हम जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के, अब 3 यूनिट पे प्लान कर रहे हैं। हाँ जी, तीन यूनिट लगवाने के प्लान कर रहे हैं, तीन यूनिट। एक तो मशरूम का हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो रूम वगैरह बना के AC वगैरह करके, एक तो हींग का सोच रहे हैं, एक आपका जो हमने देखा था एप्पल वाला, और एक जो आपने बताया था कि उसके छिलके को हम लोग ग्राइंड करके उसको नींबू वगैरह को करते, इस तरह से कुछ उसमें यूज कर सकते हैं। 3 तरह की टेक्नोलॉजी को डेमोंस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं। देखिए हींग का सर जहाँ सुटेबल एरियाज हैं जी सर, ठीक है, वो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर चौक, वो भी बता देंगे आपको। हम ऑलरेडी ही जहाँ जहाँ सुटेबल एरियाज आइडेंटिफाई करके प्लांट्स दे रहे हैं। अच्छा सर। और इसमें हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ भी हमारा MOU है जी सर, ताकि वो भी हमें जो सिलेक्टेड साइट्स हैं वो बता पाएं, और हम उनको प्लांट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उनके ऑफिसर्स को। तो इस तरह का अगर आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ और क्रॉप्स का भी चाहिए, नहीं हम कंट्रोल एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करके कि हम कंट्रोल चेम्बर बनाकर एटमॉस्फेयर को बनाकर के हींग को अपने वेस्टर्न यूपी में कर सकते हैं, जिससे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह मेंटेन कर लें, छोटा सा चेम्बर बना दें, AC वगैरह लगाकर या ड्रायर वगैरह लगाकर, इस तरह की कुछ सोच सकते हैं? देखिए कर तो सकते हैं आप, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है इसको लो चिलिंग टेम्परेचर, और ये हमें नेचुरली मिलता है हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, और अगर आप वहाँ पे मेरठ में अगर आप मतलब इस तरह का सेटअप करके अगर करेंगे तो इकोनॉमिकली वायबल किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि इट्स ए 5-year क्रॉप, 5 साल आपको उसी तरह उस क्रॉप को करना है AC में, और तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। जहाँ पे नेचुरल कंडीशन है, आपके अगर कोई वर्किंग एरिया कोई ऐसे पड़ते हैं, ऐसी साइट अबाउट 2000 मीटर जहाँ पे आपका टेम्परेचर काफी कम रहता है, ड्राई एंड कूल। जैसे सर ऐसा हम प्लान कर सकते हैं कि जैसे हमारे वेस्टर्न रीजन में हिली एरिया जो उत्तराखंड के कुछ हैं, तो वहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं? हाँ, उत्तराखंड में प्लान कर सकते हैं, उत्तराखंड में प्लान हो सकता है। अच्छा, उत्तराखंड के कुछ रीजन हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कुछ उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस देख के, तो वहाँ पे प्लान कर सकते हैं, नो डाउट। अच्छा, दूसरा सर फार्मर्स के फील्ड पे हम प्लान करें या किसी लोकल यूनिवर्सिटीज में या किसी इंस्टीट्यूट में प्लान करके, जिस तरह से हम बता रहे हैं मॉडल एक डेवलप करके हम नियर बाई के फार्मर्स को बुला के दिखाएं, भाई इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह से फायदा है, CSIR से हमको इस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, आप इसको मोटिवेट करें या इस तरह से करें, क्या ठीक रहेगा आपके हिसाब से? देखिए अगर आपका वहाँ पे सेटअप है यूनिवर्सिटी का कोई सही लोकेशन में, तो वहाँ पे
ठीक रहेगा अगर आपका वहाँ पे स्टाफ है केयर करने के लिए, उसको देखने के लिए। केस वगैरह होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह होते हैं, तो मिल जाएंगे। क्या होता है कि आप यहाँ से तो केवीके में भेज देते हैं, बट वहाँ पे वो उस चीज को मतलब केयर नहीं की जाती, प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर इफ दे आर विलिंग कि वो इंटरेस्ट लेके काम करें तो हो सकता है। और इवन जो फार्मर्स भी, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, अगर ऐसे फार्मर्स आप आइडेंटिफाई करें तो उनके फील्ड पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपके आपके लेवल से क्या सपोर्ट मिलेगा, मतलब इंस्टीट्यूट के लेवल पे? हमारी तरफ से आपको हम प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जी सर, और टेक्निकल नो हाउ इसकी मॉनिटरिंग वगैरह हम सब वो कर सकते हैं। उसके लिए क्या एमओयू वगैरह साइन करना पड़ेगा या ये डॉक्टर सुखजिंदर आपको अच्छे से बता दें? सर उसमें ना डिजिटल ट्रांसफर एग्रीमेंट रहता है हमारा, एक कोई नहीं मैं शेयर कर दूंगा आपको। अच्छा, तो एक फॉर्म होती है, आपको पहले वो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि उत्तराखंड की बात की आपने, किस जगह पे लगवाने हैं। दो टेक्नोलॉजी हम लगवाएंगे उत्तराखंड में, क्योंकि हम पूरे एनसीआर को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तो हम पूरे एनसीआर और वेस्टर्न यूपी की बात करेंगे। दो टेक्नोलॉजी हम प्रपोज करेंगे उत्तराखंड के लिए, और दो टेक्नोलॉजी प्रपोज करेंगे क्लाइमेट के हिसाब से, मतलब वेस्टर्न यूपी है, चार टेक्नोलॉजी हम प्रपोज करेंगे, और कोशिश करेंगे हम यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट में प्रपोज करें जहाँ पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, क्योंकि किसान का जो 4-5 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च होगा वो बच जाएगा, आपकी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा। जब एक बार सक्सेस हो जाएगा तो फार्मर्स अपने आप आसानी से अडॉप्ट कर लेगा, जो मेरा पर्सनल मानना है। अच्छा, दूसरा मेरा एक सजेशन और है कि हम मल्टीपर्पस चीज़ों की तरफ फोकस करें। जैसे हम इंजीनियर हैं और 15-20 साल से रिसर्च और टीचिंग में ही हैं, एक एग्जांपल बता रहे हैं, हमने कुछ इक्विपमेंट्स डेवलप किए हैं मल्टीपर्पस टाइप के, तो टेक्नोलॉजीज को भी हम अगर मल्टीपर्पस की तरफ जा सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक विनोइंग मशीन बनाई है, एग्जाम्पल के लिए विनोइंग का मतलब जिसको हम लोग ओसाई बोलते हैं, एक तो पोर्टेबल टाइप की है, आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसका फैन एज ए डस्टर फैन यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, हमने उसमें एक मोबाइल चार्जर लगा रखा है, जैसे मान लीजिए फील्ड में हम काम कर रहे हैं, हमारे पास लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज करना है, तो सोलर ऑपरेटेड आप उसको चार्ज कर सकते हो। चौथा, उसमें हमने लाइट लगा रखा है कि अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहे तो रात को पढ़ सकता है। पांचवा, उसमें हमने एक मेज लगा रखी है कि आपको कुछ काम करना हो तो आपका बच्चा काम कर सकता है, नट बोल्ट पर है, आप इसको खोल के किसी भी हिली स्टेशन पर ले जा सकते हो। इस प्रोजेक्ट को मेरे आईआईटी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है और हमारे ऑल ओवर इंडिया में सेकंड प्राइज मिली है इससे। तो हम चाह रहे हैं जो भी टेक्नोलॉजी हो, मल्टीपर्पज़ टाइप की हो, हम उसको आसानी से कई डायरेक्शन में उसको अडाप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे मल्टीपर्पज़ की आपने बात की है जी, यहाँ पे हम फिर मैं वही बात करूंगा, जो नीड बेस्ड R&D नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं कि आपने कौन सा एरिया आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे हमारा CSIR का जो इंस्टीट्यूट है वो आपको कहाँ आगे हम कलेबोरेट कर सकते हैं किस एरिया में, ताकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो एक मल्टीपर्पज रहे। ठीक है, जस्ट मोमेंट, एक क्वेश्चन है मेरा। आपने बोला कि आप कुछ टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं जी सर, तो क्या आपको क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आप लेना चाहते हैं? श्योर सर, यस प्लीज। एक तो सर ने जैसा बताया हिली एरिया में, उसके लिए तो हम तो हिंग को प्रेफर ले लेंगे, एक मशरूम ले लेंगे, एक अभी कल शाम को बड़ा अच्छा लगा आपके स्टाफ का कोऑपरेशन, शाम को 6 बजे मेरे साथ वहाँ पे खड़ा था फॉर्म पर, वो जो आपके एप्पल बता रहे थे वो कह रहे थे उसको 2 महीने चाहिए होता है टेम्परेचर के लिए, जो हमें मेरठ में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिल सकता है, तो उस पर फोकस कर रहे हैं। तो लो चिली वाला, तो 4-5 टेक्नोलॉजी पे हम फोकस करने की सोच रहे हैं। हम राइटिंग में प्रपोजल बना के आपको भेज देंगे। हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे कौन कौन से इंस्टीट्यूट में फिजिबल है, इसके लिए हमारे जो वो हैं कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आशीष पांडे जी हैं, उनसे डिस्कस करके कौन कौन से जहाँ पे कौन कौन सा सेटअप लगाया जा सकता है हम आपको शेयर कर देंगे। 5 टेक्नोलॉजी हम लेने की सोच रहे हैं। ठीक, थैंक यू। और कोशिश करेंगे कि ये यूनिवर्सिटीज में जाए ताकि ये डेमोन्स्ट्रेशन भी अच्छा हो सके और पॉपुलर भी जल्दी से जल्दी हो जाए और फार्मर से अडॉप्ट भी कर लें, ये मेरा मानना है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हम डॉक्टर आशीष बोल रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना रिगार्डिंग दी कुटकी, आपने कुटकी बारे में बताया था, फोटो सर वो लग गया। ओके सर, मिलेट।
नमस्कार, मैं डॉक्टर इंजीनियर शर्मा, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट ग्राफिक एरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून से हूँ। मैं आईटी रूड की टीम के साथ आया हूँ। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर संजीव है सिविल इंजीनियरिंग के एचओडी एंड डॉक्टर आशीष पांडे जो आईटी रूड से कोऑर्डिनेट करते हैं। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये सवाल कि अकॉर्डिंग टू यू आपके अनुसार जस्ट अ मोमेंट जब आप अपने इंस्टीट्यूट को बोलें थोड़ा सा आराम से बोलिए ताकि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा प्रॉपर हो। तो कैन यू स्पेल इट अगेन? हाँ, ग्राफिक एरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून, GRAPHIC। ओके, तो हमारा 20,000 स्टूडेंट्स का है कि नॉर्थ इंडिया में पता। राइट राइट। तो पहला सवाल ये है कि आपके अकॉर्डिंग उत्तराखंड और देहरादून रीजन इन पर्टिकुलर, वहाँ पर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो फार्मर्स अडॉप्ट करें तो उनको अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है? फीजिबल टेक्नोलॉजी जो आपकी सक्सेस स्टोरीज हो सकती हैं वहाँ के लिए, वो आप बताएं। मैं अपनी तरफ से कहूँ उससे पहले। दूसरा ये कि उत्तराखंड भी एक हिमालयन स्टेट है, टूरिज्म काफ़ी पॉपुलर है। कल हम थोड़ा सा ड्राइविंग करते हुए पालमपुर के आसपास बैजनाथ मंदिर तक गए तो कई जगह पहाड़ के साइड में हमें प्लास्टिक कूड़े के काफ़ी सारे एक तरह से स्ट्रीम्स दिखी। वो सेम कंडीशन हमारे उत्तराखंड में भी कई जगह है। अभी प्रधानमंत्री जी ने चार धाम यात्रा को लेकर प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर काफ़ी कुछ कहा। तो एक ये समस्या टूरिस्ट प्लेसेस में आती है कि जब इन्फ्लक्स होता है, और कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा मेजर इन्फ्लक्स है हमारे यहाँ, अभी मजदूरी ले लीजिए चाहे चाहता हूँ, वहाँ पर ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशली जो फूड पैकेजिंग में प्लास्टिक वेस्ट है, वो एक बड़ा न्यूसेंस उभर के आया है। क्या उसके लिए कोई फीजिबल प्रैक्टिकल समाधान है? मैं क्योंकि मैनेजमेंट क्षेत्र से आता हूँ तो मैनेजमेंट के एंगल से तो हम प्रपोज कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी क्या कुछ ऐसी है इसके लिए जमीन पे फिजिबल सॉल्यूशन ले सकते हैं? दो सवाल है। थैंक यू। अब जैसे आपने क्रॉप्स की बात करती थी अभी फार्मर्स के लिए ना, रिगार्डिंग देहरादून एरिया के लिए, तो हाँ जी हाँ, उत्तराखंड तो काफ़ी, वो तो अलग अलग एरिया है, सभी जो यहाँ पे होती हैं वो वहीं सारी अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि कुछ वहाँ भी जोन्स अलग अलग हैं। जैसे हींग है, सैफ्रन, वो तो हम ऑलरेडी वहाँ पे कर रहे हैं ट्रायल बेसिस पे, फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाए हैं हमने वहाँ पे, देन अरोमा मिशन के अंडर हमारे पास कुछ एरोमेटिक क्रॉप्स हैं वो भी हम वहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो जो जो हमारे पास यहाँ पे क्रॉप्स हैं सूटेबल हैं, ऑलमोस्ट सारी वहाँ पे हो जाएंगी, चाहे वो लो यील्डिंग एप्पल स्टार्टिंग से शुरू कर दो लो हिल से, फिर हमारे पास जो है इसकी हींग की बात कर रही है, सैफ्रन की है, फ्लोरिकल्चर मिशन में है, फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स हैं वो हो जाएंगी। इसके अलावा शिटाके मशरूम वहाँ पे अच्छा हो जाएगा। इवन वहाँ पे देहरादून पे हमने एक ग्रुप को दिया भी हुआ है ये शिटाके मशरूम का टेक्नोलॉजी। और बाकी आपने जैसे सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा काम है, ठीक है, वो मैं आपको उसका पूरा डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वहाँ भी हो जाएगा। बाकी जो स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं जैसे फ्लोरिकल्चर मिशन में है, तो वो डॉक्टर बबे बता देंगे कि देहरादून ही नहीं उत्तराखंड में कौन कौन सी लोकेशन में कौन से काटा फ्लावर हो जाएंगे, कौन से लीफ फ्लावर हो जाएंगे। डॉक्टर बबे। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर भार्गव, मैं CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन देख रहा हूँ। जैसे फ्लोरिकल्चर की अगर बात करें तो देहरादून के आसपास तो काफ़ी प्लांट्स लगाते हैं लोग, और जैसे हमने नैनीताल उधम सिंह नगर के आसपास भी हमने काफ़ी मटेरियल दिया हुआ है, तो उसमें जैसे हम बात करें लूज फ्लावर्स के, तो उसमें जैसे मैरीगोल्ड आ गया, तो ये क्योंकि आपका जो दिल्ली का मार्केट है, गाजीपुर फ्लावर मंडी है, वो आपके देहरादून से काफ़ी पास है, तो अराउंड अगर आप शाम रात शाम को भी भेजते हैं तो सुबह मंडी में वो 3-4 बजे तक पहुँच सकती है। तो हिमाचल से ज़्यादा देहरादून और उत्तराखंड के पास स्कोप है मंडी के पास होने का, तो एडवांटेज भी है। साथ में जैसे सभी क्रॉप्स हम जितनी फ्लोरिकल्चर मिशन में हम प्रपोज्ड हैं वो उत्तराखंड में हो सकती हैं। जैसे मैंने मैरीगोल्ड बोला, तो मैरीगोल्ड हम प्लान करते हैं फार्मर्स के लिए कि वो एज अ मैरीगोल्ड क्रॉप ना लगाएं, वो एज अ रेगुलेट करके उसको लगाएं। जैसे हमारे डिमांड कब ज़्यादा होती है मैरीगोल्ड की, जैसे हम बात करें कि नवरात्रे आ जाते हैं हमारे, फिर हमारी शादियों का सीज़न आ जाता है, फिर हमारे जैसे फेस्टिवल्स हैं जैसे हमारे दशहरा दिवाली है, तो इस टाइम पे मैरीगोल्ड की काफ़ी डिमांड होती है। हमारे हिमाचल में भी इस टाइम पे फूल बाहर से आता है, हरियाणा से। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं आसपास के, उनके अराउंड हम क्लस्टर्स डेवलप कर रहे हैं इन्हीं फ्लावर्स को,
कल्टीवेशन के लिए। जैसे अभी हम ज्वालाजी की बात करें तो अराउंड हमने 30 फार्मर्स का एक क्लस्टर लगाया है जिसमें वो मैरीगोल्ड और लूज रोज हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। अब जब डिमांड आएगी, जैसे नवरात्रों की और दशहरा की डिमांड आती है, तो जो मैरीगोल्ड का फूल है वो तकरीबन 100 से 200 रुपये किलो तक है। नॉर्मली जो आप रेट की बात करेंगे 40-50 रुपीज़ अ केजी मार्केट में बिकता है। बट उस टाइम पे जब ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है तब फार्मर्स को काफ़ी मुनाफा हो सकता है। अगर हम बात करें इकनॉमी वाइज तो वैल्यू वाइज अगर हम एक कनाल अगर हम 400 स्क्वायर मीटर में मैरीगोल्ड की खेती करते हैं और अगर इस टाइम पे हम फूल फार्मर्स के द्वारा इन प्लेसेस पे पहुंचाते हैं तो उनको 400 स्क्वायर मीटर से अराउंड 40,000 तक की इनकम हो सकती है। तो अगर वो साल में दो बार भी करते हैं तो 1,00,000 रुपये आराम से वो 400-500 स्क्वायर मीटर में लगा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत एक रेगुलेट करके अगर आप खेती करवाएं किसी भी क्रॉप की तो वो फायदेमंद हो सकती है। जैसे दूसरा आ गया कट फ्लावर्स का काम, तो कट फ्लावर्स में जैसे उत्तराखंड में ग्लैडुलस का बहुत अच्छा स्कोप है, कैलालिली का बहुत अच्छा स्कोप है अब, और जैसे हमारे पॉली हाउस में क्रॉप्स होती हैं, जरबरा हो गया, रोजेज हो गए, और हम बहुत सारी नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस मिशन के थ्रू, जैसे जिप्सोफिला हो गया, लाइमोनियम हो गया, ये फार्मर्स को काफ़ी इनकम दे रही हैं। जैसे पिछले साल ही हमने नैनीताल में ही एक फार्मर थे, उनके क्रॉप लगवाई लाइमोनियम, तो एक स्टिक उनकी 40 रुपीज़ की अराउंड बिक रही थी। यानी कि अगर हम 500 स्क्वायर मीटर में एक पॉली हाउस लगाते हैं, जैसे सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं, हिमाचल में भी 85% फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है पॉली हाउस इरेक्शन के लिए थ्रू स्टेट डिपार्टमेंट, वैसे ही शायद उत्तराखंड में भी 50% सब्सिडी है। तो अगर 500 स्क्वायर मीटर में भी इसकी खेती करें तो अराउंड से 3-4 लाख रुपीज़ वो एक साल में फार्मर कमा सकते हैं। तो हरित गृह में खेती, जैसे पॉली हाउस में खेती है, तो उसमें भी हम CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के थ्रू ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, प्लांटिंग मटेरियल 90% पे सब्सिडी पे हम दे रहे हैं फार्मर्स को, तो काफ़ी इसमें अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। हिमाचल में भी कल मैं गया था, DD न्यूज़ की टीम आई हुई थी बक्साइड, हमारे 1800 मीटर की हाइट पे मंडी जिले में एक गाँव है छोटा सा, वहाँ पे हमारे 200 किसान का एक समूह है, वो कार्नेशन की खेती करते हैं। तो कार्नेशन जो है 500 स्क्वायर मीटर में अराउंड 5 लाख की इनकम देता है एक साल में। तो जो भी पत्रकार थे और वो भी हैरान थे सुन के कि इतनी इनकम हो सकती है क्या इस क्रॉप से। तो अगर आपके उत्तराखंड के जहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादा जो मेल हैं वो ज़्यादातर या तो फौजी हैं या फिर ड्राइवर्स हैं या फिर माइग्रेट हो जाती है लेबर नीचे, और गाँव में बहुत कम सिर्फ महिलाएँ ही बचती हैं, बहुत कम लोग हैं जो खेती करते हैं, क्या इन क्रॉप्स के थ्रू हम इन अपर रीजन्स के जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें क्या रोज़गार की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमारा रिवर्स माइग्रेशन, जो माइग्रेशन होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो इन्हीं क्रॉप्स को हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो फार्मर्स की आबो हवा है, जलवायु है, मृदा है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लोरिकल्चर को डेवलप करें तो इनकम हम फार्मर्स की बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो हम उत्तराखंड में आपके साथ कोलैब करके कर सकते हैं। फूलों की बात चली तो मुझे एक चीज़ और ध्यान आई, तो वहाँ भी बंदरों की समस्या काफ़ी है ऊपर पहाड़ों में, तो आई होप इस चीज़ का इम्पैक्ट फ्लोरिकल्चर पे आता है नहीं आता है, क्योंकि जैसे दूसरा एक लिंक है कि हमारे यहाँ देवभूमि हमारे भी कहा गया है, तो ऋषिकेश, हरिद्वार और बहुत सारे मंदिर हैं, कई सारे फूल चढ़ते हैं और वो जो फूल वेस्ट हो जाते हैं तो उनको किस तरह से हम फेंकते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से सुरिंदर जी ने कहा कि हमारे यहाँ कोन्स परफ्यूम वो टेक्नोलॉजी हमको देखने के लिए मुझे पता चला है डॉक्टर रॉबिन जोशी हैं वो कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा इंटरेस्ट होंगे शायद टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक अगर मैं शेयर कर दूंगा। और एक हम बैरीनाग टी के नाम से एक प्रोजेक्ट है रिवाइव करना, बैरीनाग जगह भी जैसे यहाँ है टी गार्डन उसको रिवाइव करने में लगे हैं, तो टी के ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं, उसमें भी हम थोड़ा सा हेल्प अगर हो सकेगा तो लेंगे, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी हमारी प्लांटेशन और वो रॉबिन जोशी जी बता सकें तो हम उनसे मिलना चाहेंगे या आप बता सकें तो जी। वेस्ट फ्लावर्स पे जैसे सर का काम है, हम भी साथ में उनके साथ में हैं, तो इसमें जितने हमारे आसपास के मंदिर थे जहाँ पे फूल चढ़ते थे वेस्ट हो जाते थे, तो टेक्नोलॉजी उनकी ये है कि वेस्ट फ्लावर्स को हम कैसे वेस्ट से वेल्थ की तरफ लेके जा सकें, तो इसमें उनके पास हैंडमेड कोन्स भी हैं जो अगरबत्ती भी हैं और मशीन मेड कोन्स भी हैं, तो हमने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र 2-3 मंदिर के साथ भी किया है, महिला मंडलों के साथ किया है, तो उनको साथ में रोज़गार भी मिल रहा है और साथ में उनकी अच्छी ब्रांडिंग करके, और उसके बाद हमने इसको वैल्यू वैलिडेट भी किया है कि इससे जो VOCs निकलते हैं
वो क्या मार्केट में जो धूप मिलती है क्या उनसे कम है वीओसी की, ज़्यादा है? तो हमें हमारी जो धूप थी उसमें 80-90% हमें लेस वीओसी मिले, तो वो भी, और उसकी माइक्रोबियल स्टडी भी हमारे टीम ने की हुई है। तो साथ में अगर और आपको इसमें जो इंक्वायरी है वो डॉक्टर रॉबिन जोशी के साथ हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल टू एवरीवन। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा टूर रहा है IHBT का। सर कल एक दो टेक्नोलॉजीज देखी थी वहाँ पर मैंने, तो मेरा स्पेसिफिकली जो सवाल है, हाँ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम गुरविंदर सिंह बाजवा है और मैं यंग प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गुरदासपुर से हम लोग आए हैं 3 आदमी। उसके अलावा एक हमारा यंग इनोवेटिव फार्मर ग्रुप है जो नॉर्थ इंडिया का पहला सोशल मीडिया का फार्मर ग्रुप था, जिसमें तकरीबन पूरे नॉर्थ इंडिया के जो टॉप मोस्ट प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो हमारे उस ग्रुप में हैं। तो एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत आसान हैं वो जो 99% फार्मर हैं उनके लिए वो बहुत बड़ी। तो अभी हम एक गुरदासपुर में कस्टम हायरिंग सेंटर भी चला रहे हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट A to Z हर इम्प्लीमेंट है वहाँ पर। मगर जो अभी जो फ्यूचर की एग्रीकल्चर आने वाली है, कल जो देखा, कल जो आइडिया आया वहाँ पे, आप एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी जो प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू तक चेक करके बताने वाली, आइडेंटिफाई करके। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर फार्मर पूरे ऑल ओवर इंडिया का ही उसकी एक्सप्लेनेशन जो उसको ख़राब कर देते हैं। हमारा एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि गुरदासपुर जो है वो इंडिया का स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकली एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बासमती जो है वो सबसे टॉप होती है, बिकॉज ऑफ रावी फेड एरिया है, रावी रिवर है हमारा। तो ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने हमारे साथ एक कर लिया एग्रीमेंट कि अगर आप हमें रेजिड्यू फ्री बासमती पैदा करके देते हो तो हम आपको 500 रुपया क्विंटल का ज़्यादा देंगे, क्योंकि हमारे को वहाँ से मिलता है। हम 15 साल से गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस पे काम करते आ रहे हैं, तो हमने कंपेन चलाई, जितने फार्मर थे सभी ने वो फंगीसाइड वगैरह नहीं किए। जब हमारा समय आया उसको प्रोड्यूस को देने का और उसको हमारा जो लाभवान होना था, वो जो ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन वाले हैं वो तब बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, इसका तो अभी हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट आएगी, इसका आप आधा खर्चा आप दो, मोर देन 10,000 पर टेस्ट रिपोर्ट। तो जो टेक्नोलॉजी है जो मैंने आज कल देखी ISHBT में, क्या दो चीज़ें आप हमें दे सकते हैं और वायबल भी कर सकते हैं विद इन द रीच ऑफ फार्मर? एक तो मैं अपना रेजिड्यू जो है अपनी क्रॉप का वो चेक कर सकूँ, ये आड़ती लोग भी सारे हमें एक्सप्लॉइट करते हैं मंडी में। जब ये लोग डिजिटल मीटर आ गए हैं, मॉइस्चर चेक मीटर, वो तो ये मंडी के गेट के बाहर ही चेक कर लेते ट्रॉली में, अरे नहीं जी आपका तो 21 या 18 होगा, लेके आना, चले जाओ, वो तो उनकी बात होगी। जब ये बात होती है कि जब हमने पूरा जोर लगा के अच्छी तरह से गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे किया हुआ, अभी तो यूरोप ने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया SRP सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, मगर फार्मर को कैसे पता चले यार मैंने तो कुछ डाला नहीं। जैसे कल ही हमारे जहाँ एक BC या पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बोल रहे थे, पंजाब हरियाणा वाले तो सिंथेटिक बहुत यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, हमारी फूड क्वालिटी अभी भी ऑल इंडिया से सारे से ज़्यादा है, बड़ी अवेयरनेस है फार्मर्स में, हम चाह रहे हैं इस चीज़ से निकलना। मगर दो चीज़ें हमने देखो, ड्रोन से स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी का हमने ट्रायल कर लिया, हम अभी सोच रहे हैं कि हमारा जो इम्प्लीमेंट बैंक है उसमें ये ले लें। इसी तरह जो कल इधर देखा, हम बता रहे हैं आप स्पेसिफिकली हमें दो चीज़ बताओ कि एक तो जो VD साइड है, हमारे लोग जो हैं VD साइड एक होता है तो दुकानदार बोलते हैं तो मिक्स करके 5-6 वाले डाल देते हैं, क्या फार्मर की आप लोग अगर जहर मुक्त भोजन चाहिए तो क्या आप ये मदद कर सकते हैं कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी है जो पत्ते को आइडेंटिफाई करके उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तक बता रही है कि आप यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स को दे दो, वो क्या हमारे तक आ सकती है? और वही सेम टेक्नोलॉजी बीट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकती है ताकि मैं वही स्प्रे करूं वाया ड्रोन कर लूं या जैसे मर्जी कर लूं।
और दूसरी जो रेजिड्यू फ्री है, मैंने जो एक सब्जी उगाई है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से, मैं क्या फार्मर को खुद ही पता चल सकता है कि जहाँ ऐसे होगा हमारे पंजाब में कहीं पुलिस ने छापा डाला, पकड़ा हीरोइन, वो खरड़ की लैब में गई, वहां पे जाके बन गया विटामिन सी पाउडर, तो एट द स्पॉट हो सकता है जो कुछ फार्मर के लिए? ये दो सवाल बड़े हैं। इस पे हम आगे जो हमारी जो कस्टमर हायरिंग चल रही है विद इन द 70 किलोमीटर रेंज, हम उसमें जो आने वाले समय में कुछ नई चीज ऐड करना चाहते हैं, तो क्या वो हमारी रेंज में आएंगी? ये 20 लाख 1 करोड़ की मशीन तो हमारे पास की बात नहीं है। दूसरा सवाल जो हमारे पनीर सिंह जी करें। मेरा नाम पुनीत सिंह थिंद है जी, मैं डायरेक्टर ऑफ नॉर्दर्न फार्मर्स मेगा एफपीओ, जो पंजाब हरियाणा की तकरीबन 43 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की एक फेडरेशन है, एफएक्स बॉडी है, और 12,000 फार्मर हमसे जुड़े हैं। हम अलग अलग वैल्यू चेन्स पे काम कर रहे हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर, सिट्रस में किन्नू, ये सारी प्रोड्यूस को हम हैंडल करते हैं। कल हमने फ्रीज ड्राइंग के बारे में जो टेक्नोलॉजी देखी है, हमारा एक्सपीरियंस टेबल पर्पस, जब हम कोई फ्रेश वेजिटेबल खासकर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वी आर नॉट लाइक महाराष्ट्र और बाकी स्टेट जहाँ से फ्रूट ज़्यादा आता है, हमारा क्रॉप साइकिल बेसिकली सीजनल वेजिटेबल्स में हम ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं। पोटैटो की अभी बात जैसे चल रही थी, तो उसको हैंडल जब हम करते हैं तो ग्रेड 2 और 3 ज़्यादा बच जाता है, जो कि मॉडर्न रिटेल में जाने के लायक नहीं है, जो मंडी में नहीं बिकेगा। अब उसको हैंडल करने के दो ही टेक्नोलॉजी हैं, एक तो यहाँ उसको हम फ्रोजन में जाएंगे, उसको डिहाइड्रेट करेंगे। अगर हम पूरी दुनिया का, क्योंकि ग्लोबली काफ़ी हम ट्रैवल करके बाहर की मार्केट को भी देख के सीखते हैं, तो मेरी गुजारिश होगी कि जैसे फ्रीज ड्राइंग की टेक्नोलॉजी देखी है, अब इंडिया में खासकर वेजिटेबल के लिए जो सबसे सूटेबल टेक्नोलॉजी है वो वैक्यूम फ्राइड है, क्योंकि डीप फ्राइड खाने के बाद हम स्नैक्स में देखें, खासकर हेल्दी स्नैक्स या प्लांट बेस्ड जो स्नैक हैं, मार्केट में अब बहुत अच्छे स्टोर पे बिक रहे हैं, मॉडर्न रिटेल में बिक रहे हैं। अमेजन सभी के पास यहाँ होगा, आप अमेजन में अगर करके देखें कि आप वैक्यूम फ्राइड सिर्फ डाल दें और उसमें देखें कि कितनी कंपनियाँ वहाँ पे प्रोडक्ट बेच रही हैं, और हमारी ज़रूरत की जो मैच मेकिंग है वो इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर हिमाचल और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश हम इकट्ठा कर दें तो बहुत सारे क्लस्टर हैं जो वेजिटेबल के कवर हो सकते हैं, जिससे ये टेक्नोलॉजी सारा साल हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो मेरी गुजारिश ये होगी कि फ्रीज ड्राइंग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है फ्रूट के लिए, वो हम कई जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट भी है, बट वेजिटेबल का जो गैप है उसको फिल करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। और ग्लोबली तो अब हम कुछ कैनेडियन कंपनी है, बाहर की जो मशीनें हैं उनकी हमने कोर्स वगैरह मंगवाए हैं, बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन अगर इस्टेब्लिश यहाँ हो जाए, लोकल डेवलप होगी, तो टेक्नोलॉजी हमें सस्ती मिल जाएगी। नंबर टू जो मैं ऐड करना चाह रहा था वो ये है कि इनक्यूबेशन एक्सपेरिमेंट कई जगह पे हुए हैं, हम अलग अलग नॉर्थ इंडिया के, मुझे लगता कोई इंस्टीट्यूट होगा जान, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फार्मर को ना एक कंप्लीट जैसे मैंने आप बताया कि एज ए फार्मर हम पूरा वैल्यू चेन की बात करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। टेक्नोलॉजी ठीक है, टेक्नोलॉजी इज वन पार्ट, फार्मर को पूरा वैल्यू चेन समझ में आना चाहिए कि अगर इसको मैं मार्केट में लेके जाता हूँ, व्हाट आर द चैलेंजेस, कौन कौन उसके बायर हैं, किस किस बायर की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के साथ पैकेज हमें मिलता है ना, वो मुझे कोई हेजिटेशन कहने में उसमें वो होमवर्क नहीं होता। टेक्नोलॉजी मिल जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ उसको वाइबल करने के लिए मार्केट इंटेलिजेंस, उसको जब ये हम एक सुपरसोनिक एज ऑफ कंपटीशन में है, बाय द टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, बाय द टाइम वो इंक्यूबेशन के थ्रू हमारे तक पहुंचती है, मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या है? उसको करने का तरीका ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जो पहले भी शायद डिस्कशन हुई है, चाहे तो कोई SPV हो, चाहे कोई मार्केटिंग का एक अलग डिविजन हो, जो उसको क्रिटिकली टेस्ट करे मार्केट में जाके, मशीन, इट इज़ ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन,
तो जो फार्मर की फीडबैक हमें मिलती है ना, वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाते हैं। मैं कोई फीडबैक इंस्टीट्यूट को दूंगा कि जी मैं एक्स कंपनी को सप्लाई कर रहा हूँ और मैंने इसमें इतना कमा लिया, वो चीज कई बार सभी के लिए प्रैक्टिकल नहीं होती। तो हमें उसको जो क्रिटिकल एक मास क्रिएट करना है ना टेक्नोलॉजी के साथ, हम पूरा पैकेज दें। हम इनपुट कंपनी के साथ अब डील करते हैं, मल्टीनेशनल के साथ डील करते हैं, पर पिछले 4-5 साल में उनकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल बदल गई है। कोई कंपनी इनपुट वाली, जैसे गुरविंदर जी ने अभी बात की है, कोई कंपनी अब ये नहीं कहती कि मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ, वो स्प्रेयर भी लेके आ गए। ओके, आई बी जस्ट ब्रीफ कि हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उस टेक्नोलॉजी के साथ उसको मार्केट में लेके जाने के लिए जो जो हमें वैल्यू चेन के लिए जिस काम की जरूरत है, जिस होमवर्क की जरूरत है, इंस्टीट्यूट वहां भी हमारी मदद करे। ऐसा ना कि ये टेक्नोलॉजी ले लो, बाकी काम आपने देखना है, क्योंकि फार्मर वहां फेल होता है, और एक बार एक फार्मर फेल होता है वो पूरी टेक्नोलॉजी बदनाम होती है। हम ट्राई ये करें कि फार्मर के साथ कस्टमर तक इकट्ठे चले। अब कैसे करना है वो मॉडल, उस पर बैठ के डिस्कशन करनी होगी। किसी फॉरम पे अगर हमें दोबारा बुलाया जाएगा कि कैसे हम इसको, इन टेक्नोलॉजी को मार्केट में लेके जाने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, हम 1.5 घंटा उस पर बैठ के अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर कर सकते हैं। बट सो फार सो गुड, हमें यहाँ बुलाया और जो टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर की गई है बहुत अच्छी हैं, बट वे फॉरवर्ड के लिए भी हमें इतना ही कलेक्टिवली कोलेबोरेशन में काम करना होगा। थैंक यू। जैसे ये अपना बाजवा साहब का क्वेश्चन था रिगार्डिंग एग्रीकल्चर का ना, जैसे बासमती की आपने बात की है और फिर आपने टेस्टिंग की बात की है साथ में कुछ ना, तो कुछ टेस्टिंग जो हैं अब तो वैसे भी, अगर CSIR की आप बात करते हो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है ये CSIR एनालिटिकल का, तो वहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने सेंसर के थ्रू आपने बोला है कि वो उसकी टेस्टिंग का, चाहे वो उसके हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें है ना, जहाँ उसमें क्या क्या रेजिड्यूज हैं, ठीक है, नेचुरली उस पर काम हो भी रहा है और कुछ काम हुआ भी है। तो यहाँ पे जो है जैसे बासमती वगैरह पे अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर पे तो इन क्रॉप्स पे नहीं काम है हमारे पास, हमारे पास मेडिसिन एरोमेटिक्स पे है, फ्लोरिकल्चर में है, और कुछ जो हमारी हैं जैसे बैम्बू वगैरह पे हैं, इन क्रॉप्स पे काम है। जैसे आप वेजिटेबल की भी बात कर रहे हो साथ में, हाँ नो डाउट इसमें जैसे टेस्टिंग की बात है, जहाँ वैल्यूएशन की बात है, उस पर हमारा काम साथ में चल रहा है, हमारा भी है और CSIR अदर लैब्स का भी है, उससे आगे हम आपसे सदर बात कर सकते हैं। और जैसे सर ने बोला अभी, पुनीत जी ने सर ने बोला कि अभी जैसे टेक्नोलॉजी की आगे डिप्लॉयमेंट की बात है, वो की है इन्होंने, हाँ उसमें जैसे हम टेक्नोलॉजी देते हैं उसमें वो नहीं होता, हम टेक्नोलॉजी वैलिडेट करके देते हैं, एक तो वैलिडेशन होती है हमारे पास, ठीक है, आप जैसे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं वो एक पार्ट रहता है उसमें, विदाउट वैलिडेशन टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती। मॉडिफिकेशन की बात है, जो आपने बोला कि कई बार होता है कि हम मार्केट में ले गए टेक्नोलॉजी, उसके बाद वो ऑडिटेड हो गई, या उसमें आगे फर्दर जो मार्केट में नीड्स हैं, या उनकी आगे कस्टमर्स की हैं प्रेफरेंसेस हैं, वो कुछ चेंज हो जाते हैं। अगर प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं उस प्रोडक्ट के अराउंड, तो उसमें हम रखते हैं, ऊपर रखते हैं थोड़ा सा इतना कि उस पर हम एज पर मार्केट जो आपका फीडबैक रहेगा और हमारे और भी वेरियंट्स रहेंगे उसके साथ, वो भी इसका टेक्नोलॉजी का पार्ट रहेगा, वो हम कर देते हैं, इतना ओपन हम रखते हैं। हाँ नेचुरली है कि हमारे कुछ कई बार होते हैं ड्रॉबैक, क्योंकि आपने यहाँ से हम टेक्नोलॉजी हमारे अलग अलग लेवल पे डेवलप होती है, चाहे वो लैब स्केल पे है, पायलट स्केल पे है, जो रेडी टू ट्रांसफर हो जाती है हमारी TRL असेसमेंट के बाद। हाँ जब आप अपस्किल करते हैं अपने लेवल पे, जहाँ फार्मर लेवल पे हैं, जहाँ इंडस्ट्री लेवल पे हैं, तो वो कई चीज़ें वहाँ सामने आती हैं, तो उसके अराउंड फिर इंस्टीट्यूट का विद द इंडस्ट्री और जो हमारे आप जहाँ पे आगे आप आउटरीच कर रहे हैं, तीनों की एसोसिएशन रहती है, क्योंकि आप जहाँ पे फाइनल आपका प्रोडक्ट आउटरीच हो रहा है, आप वहाँ से फीडबैक लेंगे, वो फीडबैक हमारे तक आएगा, तो उसको मिल बैठ के हम आगे जो है फर्दर उसके इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं, कितना स्कोप रखते हैं। बाकी अगर कोई और एग्रीकल्चर का, जब जैसे आपने भी क्वेश्चन किए हैं, तो मैं डॉक्टर अशोक और डॉक्टर भवे को बोलूँगा, सर आपका इस पर कुछ, डॉक्टर अशोक, हाँ वही मैंने बोला ना, क्या सर ऐसा हो पाएगा फ्यूचर में कि जो फार्मर है डायरेक्टली जो जो ट्रेसेबिलिटी की जो टेक्नोलॉजी जो मैं हम डिमांड कर रहे हैं वो सीधा आपसे ले सके, क्योंकि ये जो बॉर्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया है ना, हमारे जो UNO का प्रोजेक्ट है ऑलरेडी चल रहा, हमने देखा समझ में आया कि तो बहुत बढ़िया है, उन लोगों ने वो पूरा अपने फील्ड को हिस्सों में बांट रखा, आपने देखा होगा डॉक्टर सुखजिंदर, वो रिमोट सेंसिंग है सारा,
तो अपने आप सेंस जो है वो मॉइस्चर जब कम होता है उसको सेंस करता है, ऑटोमेटिकली वो ट्यूबवेल चलता है और वही जो नक्का है वो खुलता है, और जब पानी भरने वाला होता है अपने आप वो उसको बंद भी करता है। मगर मैंने उनके डायरेक्टर साहब से बात की थी, बाहर गए थे यूएनओ के, तो वो बोल रहे हैं कि ये इट इज़ पॉसिबल अगर 3-4 किलोमीटर एरिए के जब सारे फार्मर जो एक एग्री हो जाएं और एक अपना सांझा बना लेंगे, तो ये सभी के ट्यूबवेल को कनेक्ट करके अंडरग्राउंडिंग करके हो सकता है। मगर ये छोटे किसानों के पास की तो बात नहीं है, मगर मैं जो पैदा कर रहा हूँ ना, एटलीस्ट मुझे एट द स्पॉट पता चल जाए इसमें कौन सा रेजिड्यू है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। जैसे आपने कुछ, इसीलिए आपको यहाँ पे हम पूरे गैदर हुए हैं ताकि आपकी नीड्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएं और उसके ऊपर हम फर्दर बैठ के जहाँ स्पॉन्सरिंग बॉडी कौन रहेगी, नेचुरली ये सारा कुछ हम अरेंजमेंट करके फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं जी। एक सर इसमें और एक ऐड कर लीजिए आखिरी, हमारे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना पंजाब वालों की, हमारे को कभी आज तक अपनी मिट्टी और पानी की टेस्टिंग प्रॉपरली मिली नहीं। अगर आप लोग क्या इस पे भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में हम स्विच ओवर करने जा रहे हैं पंजाब वाले। सर सॉइल टेस्टिंग का है हमारे पास। राइट सर। तो आपने इरिगेशन की बात की, तो इसके लिए आपको हम बता दें कि मोबाइल ऑपरेटेड इरिगेशन सिस्टम बने हुए हैं और हम ही ने बनवाए थे अपने स्टूडेंट से प्रोजेक्ट में। इसमें यह है कि आप जब मॉइस्चर की कमी आएगी तो आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि मॉइस्चर की कमी हो गई, आप ओके कर दो, इरिगेट होके फिर मैसेज आएगा आप बंद कर दो। सर इसके एक एडवांस स्टेज हम और आगे जाना चाह रहे हैं, इसमें आपके इंस्टीट्यूट की हेल्प चाह रहे थे। इसमें हमारा एक स्टार्टअप हमने इसमें प्रपोज किया है और हमारी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और 5,000 रुपीज एज ए टोकन मनी रिलीज भी कर दिया है और नियर अबाउट 1 लाख रिलीज करने जा रही है। इसमें हम चाह रहे थे, जैसे कि सर ने बताया कि प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को हम डिटेक्ट कर लेते हैं GPRS के थ्रू, क्या सॉयल के भी न्यूट्रिएंट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास या जिंक वगैरह की कमी है, क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं GPRS के थ्रू? एक्चुअली जब भी सॉइल बेसिस या प्लांट न्यूट्रिशन बेसिस पे हम जब टेस्टिंग करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में करते हैं सॉइल बेसिस पे, तो जो भी सॉइल में पोटेशियम है, नाइट्रोजन है कितना, तो उसके लिए एक AA यूनिट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है वो एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इससे ये छोटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आपका बेसिक ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, वो सारा डिटेक्ट हो जाता है, हमारे पास ऑलरेडी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे कोई चाहे प्लांट स्पीसीज पे भी, अगर आपका जैसे प्लांट मटेरियल है उसका हम पाउडर करके उस पर भी एनालिसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, कितना पोटेशियम है उसमें, कितना नाइट्रोजन है, जो मिनरल्स एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे चाहे सॉइल हो या प्लांट मटेरियल हो या कोई भी एक्स्ट्रिक कोई भी मटेरियल सपोज हो, तो उसमें जैसे प्लांट जैसे मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम्स आती है हैवी मेटल एनालिसिस, जैसे सर बता रहे थे कि पेस्टिसाइड्स एनालिसिस वगैरह, इस टाइप के भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जैसे सॉइल और प्लांट के रिगार्डिंग ICP OES और ICP MS एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं है, लेकिन हमारे जो सिस्टर ग्रुप्स है जैसे NBRI में वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो उसको होते हैं इंडक्टिव कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ए सेंसर बेसिस पे नहीं होता वो, लेकिन वो आप इंस्ट्रूमेंट जो एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है प्रोसीजर, देन उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा सर एक क्वेरी और है, क्या हम आपके यहाँ से भी अपने स्टार्टअप की टीम में किसी को ऐड करना चाहें या किसी को जोड़ना चाहें, क्या ऐड कर सकते हैं जो हमें इस तरह की चीज़ों में हेल्प कर दे? एज ए इंजीनियर हम टेक्नोलॉजी कर लेंगे और इस तरह की चीज़ों में अगर MOU साइन करके या कुछ इस तरह से अगर किसी साइंटिस्ट को या किसी को ऐड करना चाहें अपनी यूनिवर्सिटी की टीम में, तो ऐड कर सकते हैं हम मेंटरशिप में सर? वो तो थ्रू एग्रीमेंट कर सकते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे एरिया ना। अच्छा सर, आपका फिर वो मेंटरशिप जो है नहीं सर, वो उसको बेसिकली प्लान हमारा इसके है कि इसको उसको हम वेब पेज बना के पूरा प्लान कर रहे हैं कि 40 पैरामीटर लेकर जो डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स की हो फार्मर्स को पता चल जाए, मोबाइल फोन पर ही उस पर मैसेज आ जाए, वहीं से ओके कर दे, वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसके फील्ड में चला जाए,
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जैसे हमारे चलते नहीं टैंक वगैरह बना के, उसी तरह टैंक वगैरह का सेटअप बना के पूरा प्लान कर रहे हैं। इस पर स्टार्टअप हमारी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसी को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो टीम जो हमारी बन रही है उस टीम में हम यहाँ से एक दो साइंटिस्ट को या किसी को एसोसिएट करके उनकी हेल्प से जो उनका पार्ट होगा वो फुलफिल कर दें। इसके लिए जैसे भी आप गाइड करोगे हम कर लेंगे। कोई बात नहीं, या मैं कुछ शेयर कर देना क्वेश्चन बात करके आपको। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या अगर हम चाय का ब्रेक लेना इस क्वेश्चन के बाद? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रमन सनोरिया फ्रॉम आरटीआई एनआईटी हमीरपुर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हिमाचल में सिर्फ सेब की बम्पर फसल होती है, अब तो लो चिलिंग एप्पल भी आ गए हैं, जो कल हमने मशीन देखी थी फ्रीज ड्राई मशीन, उस जब सर से बात हुई तो सर ने कहा कि कुछ लेडीज आती हैं वो फाइव स्टार होटल के लिए वो एप्पल्स वो ले जाती हैं ड्राई फ्रिज करवा के, तो सर ने बताया था कि शायद उन्हें कॉम्प्लीमेंट के तौर पर फाइव स्टार होटल में उनको सर्व करते हैं। तो हिमाचल में इसका काफ़ी स्कोप है, तो जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट एनआईटी हमीरपुर से, तो उन्होंने वहाँ पे क्लस्टर बनाया हुआ है डिफरेंट विलेजेस का, कि नॉर्थ लाहौल स्पीति शिमला रोहडू के इलाकों में। तो हमें आपसे ये हेल्प चाहिए थी, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट प्लेसमेंट मार्केट में करना पड़नी है इस एप्पल फ्रिज ट्राई की ड्राई फ्रिज की, तो इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। लाहौल की नॉर्थ कुल्लू इन जगहों से लोग यहाँ पे फार्मर यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगी, फिर वो फिजिबल भी नहीं होगा। तो आपसे तो आप हम आप किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं कि अपर के एरिया जैसे लाहौल स्पीति शिमला की नगर, उनमें हम ये मशीन किस तरह से वहाँ पे लगवा सकें एज अ डेमो या स्टार्टअप के तौर पर? बिल्कुल सर, तो हमारे जो कंसर्न साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मंगेश वो बता भी देंगे वहाँ, है ना, स्कोप तो है, काफ़ी स्कोप है वहाँ पे। थैंक यू सर, इसके लिए मैं आपको कल भी थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि बहुत अच्छा स्कोप है एप्पल के एरिया में, इवन नॉट ओनली एप्पल, और भी क्रॉप्स हैं फ्रूट की जो हिमाचल में इन एरियाज में होती है, जैसे कि खुरमानी जिसको बोलते हैं, एप्रीकॉट भी रहता है इस एरिया में, सीजनल है, पहले एप्पल आएगा फिर एप्रीकॉट आएगा, उसके बाद शायद सपोटा भी आएगा, मैंगो भी थोड़ा बहुत लोअर एरिया में होता है, और भी कुछ फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे जो यहाँ के लोकल हैं। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से जो भी हमारा सिस्टम है इसमें आप यूटी जो भी ग्रुप को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपके एनआईटी में है, उनको कहिए कि जो भी क्लस्टर्स हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ जाए हमारे पास कि वो रियली इंटरेस्टेड है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम उस एरिया के जो GMDIC हैं, जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, उनके साथ मिलकर उनका DPR बनवा देंगे, क्योंकि उनके फॉर्मेट में ही DPR जाएगा, तो हमसे वो क्लस्टर टेक्नोलॉजी ले ले, हम उनको पूरा गाइड करेंगे टेक्निकली कि कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो फाइनेंशियली उनको DIC की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो कि दो योजनाएं हैं हमारे हिमाचल के अंदर, एक तो स्टेट फूड मिशन है, दूसरा स्वावलंबन योजना है, उसके अंतर्गत अगर तो वुमेन ग्रुप है तो उनको 40% के आसपास, नहीं तो अगर दूसरा ग्रुप है जो मतलब कि वहाँ के लोकल फार्मर्स का ग्रुप है तो उनको ऑलमोस्ट 33% तक का कैपिटल के ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी, और इजिली बैंक लोन हो जाएगा उनको, मशीन वहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकती है, और उनको हम वाइबल मशीन ही देंगे, ऐसा नहीं कि फॉरेन की मशीन ही लगानी है तो वही काम होगा, जैसा ग्रुप है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे वो डील करेंगे और कहाँ वो मार्केटिंग करेंगे, दैट वी विल कम्प्लीटली हेल्प प्रॉपर BDMO सिस्टम, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वहाँ के लोकल क्रॉप्स को रोटेशन बेस पे होगा ओनली, नॉट ओनली एप्पल से सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी कि एप्पल का सीजन 4 महीने का रहेगा, ठीक है, उसके बाद फिर एप्रिकॉट भी रहेगा, खुरमानी रहे, और भी कुछ काफ़ी फ्रूट्स हैं उस एरिया के, अलग अलग एरिया से रहते हैं, तो आपका वो सस्टेन हो जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है कोई भी, तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ऑल दिस थिंग एंड हमारे पास पूरा वो प्लान तैयार है, अगर आप उसमें हमारे को इंडक्ट करें तो आप POT लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू। इसमें एक और ऐड करूंगा मैं, जैसे फाइनेंशियल पार्टी इन्होंने बीच में बात की है, मैं भी हमारे हैं इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए हमने एक ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, SBI के साथ,
और वहाँ पे वो काफ़ी मतलब जैसे सॉफ्ट लोन की वहाँ पे है प्रोविजन है और मिनिमम मेरे हाथ 3% का शायद बोल रहे थे कुछ, वो देख लेंगे हम, तो वहाँ भी आपको वो जो फाइनेंशियली है वहाँ भी आपको हेल्प मिल जाएगी उनकी तरफ से। सर एक सजेशन थी आप जी, जी एक सजेशन देनी थी मैंने, और जैसे हिमाचल में मैंगो काफ़ी होते हैं मगर उनकी वैल्यू ज़ीरो है, तो जैसे जापान का गोल्डन मैंगो होता है उसका पर पीस 1 लाख रुपीस में इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं, तो क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आ सकती है? दिल्ली में तमिलनाडु में कोई एक बिजनेसमैन उस प्लांट को लाए थे, तो दिल्ली के व्यापारी ने बिजनेसमैन ने तमिलनाडु के बिजनेसमैन से एक एप्पल जापान का गोल्डन एप्पल लिया था 15,000 रुपीज़ का लिया था, तो इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी आप फ्यूचर में हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इस तरह के मैंगोज की कीमत बहुत ही अच्छी मिलती है 1 लाख समथिंग पर पीस की, तो इससे ये होगा कि ट्रांसपोर्ट की कोई चिंता नहीं होगी और जो मशीनरी की है उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी मास लेवल पर अगर आप मशीनरी यूज़ करते हो तो हर इंसान के हर फार्मर के लिए फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकल मैनर में, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्यूचर में आप मैंगो के ऊपर कुछ रिसर्च करें, जैसे जापान का गोल्डन मैंगो है 1 लाख पर पीस की पर मैंगो की हाँ जी प्राइस है। ठीक है, श्योर सर, थैंक यू सर। आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन था या? रेस्पेक्टेड dignitaries on the dais, after dais, myself, Dr. K. Vengadeshan, UBA coordinator from Jawaharlal Nehru Rajkiya Mahavidyalaya, Port Blair, Andaman Nicobar Islands. Sir, regarding the workplace where I have been working, I would like to tell few words, then it will be easy for me to communicate the technologies which I require. Actually, the agricultural land of 50,000 hectares in entire Andaman Nicobar Islands, sir, out of which 50% is occupied by arecanut and coconuts, cultivation and arecanut cultivation, betel nut. Remaining 25,000 hectares used for microagriculture, not for cereals or rice or paddy, only for vegetables, micro level only. And remaining major occupation from fishery sector only, sir. This is the background of Andaman Nicobar Island. Here, in my adopted villages and entire Andaman Nicobar Island, we have been working on providing skill development training to the women on various sectors, either handicrafts or food processing or conventional jam, jelly, pickle making, sir, with the locally available fruits and vegetables. Here, from Chhattisgarh, one sir was talking about the availability of tomato, 20 kg rupees, 10 kg rupees. It is disheartening to tell you that in Andaman, 1 kg tomato, 100 rupees. Everything is from mainland only. Mainland, we call it as Vizag and Calcutta and Tamil Nadu. The vegetables and the fruits being imported from mainland through air as well as ships. So this is the common scenario. So we are getting the vegetables either bandhgobi or gobi or itna bhi sasta mein udhar milne wala vegetables ko hum log le rahe hai. Ek cheez hai sir. Abhi regarding food processing, there is a fruit called the pandanus, sir. Local name is a kevra. It is available in the tribal area of Nicobar Islands, even some parts of South Andaman district also. It is a pandanus fruits. So in that fruits, the list of technologies developed by CSR ISPT, I have seen that, malnutrition for iron-enriched foods and ready-to-eat bars, that this technology can be replicated for that particular product, sir. For that, I need your valuable guidance. Another thing, coconut, already we are in desiccated coconut powder already hum log bana rahe, lekin we are lacking, sir, hamara lakne hai coconut pani ka ek tetra pack mein banana hai, we have plenty of coconut available and very very sweet Andaman Nicobar nariyal pani hai, aur hamara hai coconut ka doodh nikal ke usko bhi ek tetra pack mein ek commercialization, actually we have tried due to the lack of technology, in fact we have approached National Research Development Corporation, TIFAC, DFRL, CFTRI. Due to COVID, that lockdown, we couldn't take it further. Now I thank UBA and CSR ISPT for providing such a golden opportunity to put forth our technical labs.
So in this coconut milk tetra pack and the coconut water tetra pack, already few institutes are commercializing. The place like Andaman, export is very high, sir. So tetra pack, again, you have to bring it from mainland. Machineries, you have to bring it from mainland. Then again, we are selling it for 40 rupees. From the local corporate, he will sell for 20 rupees or 25 rupees. Even though desi coconut na real pani hum log bikri karne ke baad bhi, cost effectiveness mein hum logon ka economic feasibility nahi ban pa raha hai. So isi mein aap logon ka, hum logon ka madad chahiye. Aur betel nut ka hum logon ka plate banaya. Arignut plate banate hum logon ke instead of paper plate, instead of plastic plate, betel nut plate. But due to the humidity and the 6 months rainy season over that, and due to that rainy season, the fungus occurs in that betel nut plate. Due to that, the commercialization ka muskil ho raha hai, that customers, consumers are not ready to take that. Aur aapke paas isme kuch salah hai, to usse bhi hum log lenge. Aur banana ka fiber, National Research Center on Banana, unke saath milke fiber leke, phir uska kapda mein jodne ke liye bhi hum logon ka kaam chal raha hai, sir. Aur fish ka, sir, mainly. The majority of the technology is related to food and food processing, vegetables, fruits. If you are having any technology related to fish processing, already we are collaboration with the CFT, Central Institute of Fisheries Technology, solar dryer, and we are using and cold freeze fish processing, and we are importing. So that is providing one of the important livelihood opportunities to the fisherman community of Andaman Nicobar Island, as well as the local fisheries women, for their economic empowerment. Self-help group women involved in this particular sector. So the technology which I am very much interested to adapt for the locality in which I have been working is micronutrient malnutrition, especially iron deficiency anemia is prevalent over there. So for that purpose, that kevra, that pandanus fruit, so in that like ready to eat or ready to eat like arm bar or ready to eat pandanus bars, that is very much interested, sir. Thank you very much for the opportunity, sir. Jayan, sir. This is very interesting, and I can say that this is a really need of the technology in Andaman and Nicobar Island. The resources, fruit resources, you are telling the local is there. Definitely, I also know there is already rich in some minerals and vitamins. So definitely, we can make a fruit bar out of that. That we have already established technology here, and even we have used this technology for Poshan Abhiyan, Poshan Maitri. So we have a complete know-how data of that. So definitely we can help for them for your developing this product. And secondly, you are telling about the coconut. Yes, definitely coconut, or you don't need to go for a tetra pack. We can give you a in the form of any other packing, which is a very economic, as it can be possible to install a machine in a single or two manpower machine in your Iceland. So you can directly pack this and sell it at a competitive price. There is no need for worry about 40 rupees and 25 rupees. Maybe it will be 15 rupees. So that we can definitely do for you. If you are really interested, you send an email to us. We can do this part, firstly. Second thing, you are talking about these plates. Yes, we are also working on the biopreservatives. So coating of these plates may be help for you. But in this regard, you have to send us a few samples, because that will be your need-based requirement. So I think you can contact us for a need-based purpose. Send us a sample. We can do the trials, and definitely will give you get back within a few days. And these three areas we will definitely integrate with you. And another thing is that you are preparing local jam, jelly, pickles, and all these things. Yeah, this is a common food processing technologies. In this regard, if you want some without preservative, without chemicals, you want to improve the shelf life of these products. In this area, we can also help for you. So for good packing and without chemical preservatives. So in these three to four areas, we can do in for your particular area of Andaman Nicobar. So thanks for your queries, and it is really, I appreciate your this interest of our technologies. Thank you. Abhi hum chai ka break hoga, tea break ke baad fir hum yahan pe gather honge, aur meantime we can also further discuss with our concerned scientists during this tea break. Yeah, definitely. We'll reassemble at 12:05. Please be on time. Thank you.
हाँ, एक आते हुए पूरा बैकग्राउंड के हूँ। एक थोड़ा पास से ले लीजिए, इस तरफ का बैकग्राउंड। थैंक यू। Operations. My dear sisters and brothers, as I told you, more than 50% of our population group, must
rural economy through development of sustainable technologies. I'm happy to note that IIT Delhi is the National Coordinating Institute for the Unnat Bharat Abhiyan program of the Ministry of Education and is playing a strong catalytic role. I'm told that Unnat Bharat Abhiyan already has more than 2,000 participating institutions which have adopted more than 10,000 villages. Before concluding, I would like to congratulate IIT Delhi for completing 60 years of its journey and for the numerous contributions the institution has made for the national development. I would like to compliment the successive
Hello. You need to unmute your mic. Please ask the camera person or somebody is there who can unmute. There are many products these days, like there was a talk on single-use plastics, even the government is going to ban it. So the main concern these days is regarding the single-use cups or plates. You know, even yesterday we were served, today also we were served chai in that plastic, not plastic, the paper cup. But it also has a coating of wax or something, you know. So if there is any technology that you can, you know, find where it is, you know, eco-friendly and it can be disposed in a proper way. And also with the packaging that you are coming up with all your technologies, like the bars and cereal bars and other things, is there any other technology that is non-plastic or, you know, that can be disposed or composted? I think that can also have a very huge impact on the environment, and going ahead, we can also adopt that kind of packaging, you know, because not many people are thinking. Mahesh sir was talking about the Tetra Pak. Tetra Pak is the most difficult, you know, packaging to, you know, process or recycle, or it cannot be recycled, almost impossible to recycle. So if you also can bring about some technologies which is low cost, eco-friendly, I think that will be great, because not many people are looking into that area, and all we see is what is the contents inside, but the packaging is getting huge, and you know it's only going to again affect our own landfills and land and earth. So also that I want to. We are working on bio. I have technology on this. More of an observation. जब हम कल technology demonstrations के लिए जा रहे थे तो most of the things are वो possible नहीं है कि हम Kargil में उसको उन technologies को introduce कर सकें, लेकिन वहाँ पे एक चीज की hing which requires chilling, low chilling climate and dry, so which is possible in Kargil also. तो एक चीज ये है कि हम उसको कैसे प्रोसेस, उसका क्या प्रोसीजर होगा कि हम फार्मर्स तक उनको पहुंचा सकें. सेकेंड थिंग, कारगिल में एप्रिकॉट, एप्पल और ग्रेप्स के अलावा और एक फ्रूट होता है सर, विच इज रशियन ऑलिव. तो उस पर अगर कोई रिसर्च हो, कोई बता सकता है उसके बारे में, बिकॉज दैट फ्रूट इज इन अबंडेंस बट उसका कोई यूज नहीं होता है. बट वेन आई आई वॉज इन ईरान, वो वही फूड जो है मार्केट में भी है एज अ ड्राई फ्रूट. तो इस पर आपका कोई रिसर्च है या, और जो हाई एल्टीट्यूड में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं सर, जो कि जिनके मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हैं, तो उन पे PSIR का क्या रिसर्च है अभी तक? जो हाई एल्टीट्यूड के मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके ऊपर तो सर हमारा काम है ही, चाहे वो मेडिसिन प्लांट्स हैं, चाहे वो कुछ क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूडेशन पे भी है और उनकी जो सस्टेनेबिलिटी भी है. सस्टेनेबिलिटी हम उसको कैसे लिखे जा सकते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हैं या इंडेंजर हो रहे हैं, तो उनको हम जो टिश्यू कल्चर हमारी टेक्नोलॉजी देना अदर है, उसको हम कैसे आगे सस्टेनेबिलिटी पर लेके जाके उन प्लांट्स को थ्रू उसके फिर एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करके उन्हीं को हम फार्मर फील्ड पर आगे दे दो. क्या होता है कि कई बार जो कलेक्टर्स जाते हैं वो तो कलेक्शन कर लेते हैं प्लांट्स की, उसके बाद जो प्लांट्स वो धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वो वहाँ पे जो है रफ्तार है कम होने की, वो ख़त्म हो जाए और उसको फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में अपना प्रैक्टिस में लेके आ सकें. उन पर तो हमारा काम ऑलरेडी है, ठीक है. बाकी हींग की आपने बात की है कि हींग के प्लांट्स हम कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा एक आप अपनी रिक्वायरमेंट दे दीजिए, उसमें हम मटीरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट करते हैं, तो उसके अंदर हम आपको प्लांट्स जो हैं आप प्रोवाइड जी. हींग के लिए आप ऐसे करिए, एक हमारे डायरेक्टर को आप मेल लिख लीजिए ट्रायल्स लगाने के लिए, तो उसके ऊपर फिर हम आपसे MTA साइन करेंगे और कुछ छोटे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स पे तो आप जहाँ पे भी सजेस्ट करेंगे वहाँ पे हम लगा सकते, ठीक है. तो
उनकी जो सर्वाइवल होगी उसके बेस पे फिर वी कैन मूव अहेड। वो आइडेंटिफाई जो आप वो लोकेशन होगी ना वो आप सेंड कर देंगे तो ये आइडेंटिफाई कर देंगे कौन सी मोस्ट सुटेबल लोकेशन है। आप फार्मर्स फील्ड पे आइडेंटिफाई करें या अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन के फार्म्स हैं उनके ऊपर, लेकिन फार्मर्स आपके थोड़े से उनको कहेंगे कि थोड़े से मतलब ठीक हो जो इस तरह के काम इनिशिएटिव ले सके, कई होते हैं ना जैसे they are interested in this farming, so for the first time they have sent lilies from Kargil, so वो काम करते हैं इसलिए लिलीज का मैं बताऊं जो हमारे लद्दाख में डीआईसी के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है उसमें हमने पिछले साल कारगिल में भी और ले में भी लिलीज सप्लाई किए थे। तो मैं शायद आप उन्हीं की फार्मर्स ग्रुप की बात कर रहे हो, तो लेह में भी बहुत अच्छा स्कोप है फ्लोरिकल्चर का क्योंकि लद्दाख अभी तक फ्लोरिकल्चर में अभी तक इनिशिएशन नहीं था। तो इस साल जैसे हमने आईएचबीटी में सुना होगा शायद फरवरी में हमने एक ट्यूलिप गार्डन ओपन किया था, तो ट्यूलिप गार्डन दैट वॉज द सेकेंड ट्यूलिप गार्डन इन द इंडिया एंड द फर्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसी के साथ हम लद्दाख में भी कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्यूलिप गार्डन वहाँ पर रहे क्योंकि आप देखेंगे कि लद्दाख में बहुत टूरिज्म आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और अराउंड 3.5 लाख टूरिस्ट ईच ईयर लेह में आते हैं। और जैसे हम कोशिश करें कि वहाँ पे जो फ्लावर टूरिज्म है उसको बढ़ा सकें, तो इसी उसमें कॉन्टेक्स्ट में हमने पिछले साल लेह में और कारगिल दोनों में लिलियम्स के ट्रायल किए थे और इस साल हम उनको ग्लैडुलस और लिलियम और ट्यूलिप्स तीनों को हम बल्बस क्रॉप्स जो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कोल्ड रिक्वायरमेंट अच्छी है और जो बल्ब प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि अभी क्या होता है इंडिया में ये सारे बल्ब्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और अराउंड 50 करोड़ का इंपोर्ट हर साल का रहता है। और जैसे आप जानते हैं कि श्रीनगर में भी ट्यूलिप गार्डन होता है और उनकी तकरीबन 15 लाख के आसपास ट्यूलिप बल्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो सारा इम्पोर्ट करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आईएचबीटी ने हमने बनाई थी कि इनका बल्ब प्रोडक्शन हम कैसे कर सकें। तो हमने हमारे जो हाई एल्टीट्यूड्स हैं जैसे आप लाहौल स्पीति का एरिया है वो भी सिमिलर है लद्दाख के और कारगिल के, तो हमने 4 साल पहले वहाँ पे फार्मर्स फील्ड में ही ट्यूलिप के बल्ब्स को रख के देखा तो उनकी मल्टीप्लिकेशन देखी तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और जो हमारा ट्यूलिप गार्डन था उसमें भी हमने वहीं से बल्ब प्रोक्योर करके इस गार्डन को बनाया था। तो हम चाहते हैं कि बल्ब प्रोडक्शन में हमारे को आत्मनिर्भरता मिले और जो हमारी यही इलाके हैं जैसे हमारा लद्दाख का है, कारगिल का है और लाहौल का इलाका है, ये कुड बी रीजन फॉर बल्ब प्रोडक्शन और हमारे जो इंडिया में इतना इम्पोर्ट होता है उसको हम कम कर सकें और वहाँ पे बल्ब प्रोड्यूस करके उनको और सप्लाई चेन दे सकें। जैसे अभी मैं बात करूँ हम एमएसएमई के साथ भी हम काम कर रहे हैं और लाहौल स्पीति में हमने 12 साल से हम काम कर रहे हैं लिलियम के ही ऊपर, तो वहाँ पे 40 लाख लिलियम्स किसान हमारे लगा रहे हैं, तो तकरीबन वहाँ 3 फार्मर ग्रुप हैं, सोसाइटीज़ हैं, तो उनको हमने क्लब करके एक एमएसएमई क्लस्टर बना दिया। तो 2 क्लस्टर हैं वहाँ पे 350 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी तक सिर्फ लिलियम को ऑफ सीजन बेचते थे। पूरे भारत में मैं बात करूँ तो सिर्फ फरवरी मार्च में आपको लिलियम मिलता है जो कि हरियाणा, पंजाब और साउथ में लगाते हैं, जबकि जब लाहौल स्पीति से हमारा लिलियम जाता है वो तकरीबन जाता है आपका जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर। तो इन 3 महीने में पूरे देश में जो लिलियम के फ्लावर्स हैं वो यहीं से आते हैं। और लिलियम की मैं बात करूं तो ये बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है, अगर आप एक फ्लावर की कॉस्ट देखें तो इस बार जो 120 रुपीज अ स्टिक बिक रही है, तो अगर आप 1 square meter में 30 बल्ब भी लगाते हैं और उसको 120 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए कितना हाई रिटर्न इसमें मिलते हैं। और ये जो इलाके हैं हमारे यहाँ बल्ब प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो इस क्लस्टर में क्या किया हमने इनको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किया एमएसएमई के थ्रू, हमने इस 4th क्लस्टर के थ्रू इनकी फंडिंग ली एमएसएमई से जो हमें 3.5 करोड़ के आसपास मिली, उसमें हमने उनको एक सीएफसी दिया जिसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, उसमें उनको कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था मिली जिसमें वो बल्ब्स रख सकते हैं अपने, उनकी डोमेंसी ब्रेक कर सकते हैं, उनको दोबारा मार्केट में मार्केट कर सकते हैं। अभी इंडिया में ऐसी कहीं फैसिलिटी नहीं है, बीइंग अ कोल्ड रीजन कोई पागल ही बोलेगा कि हम लद्दाख में जहाँ पहले से ही लाहौल में बर्फ़ पड़ती है वहाँ कोल्ड स्टोरेज की क्या ज़रूरत है, बट वो फार्मर्स हैं 12 साल से लिलियम उगा रहे हैं, उनको पता है कि मार्केट में अब बल्ब्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लावर्स जो हम तो कर ही रहे हैं,
बट उन्होंने कोल्ड स्टोरेज लिया, उन्होंने ग्रेडिंग पैकिंग सॉर्टिंग लाइन ली, मार्केटिंग चैनल डेवलप किए, क्योंकि एमएसएमई स्कीम में क्या होता है कि आपको सब कुछ मार्केट प्लान पहले ही सबमिट करना पड़ता है, नहीं तो फंडिंग इशू रहता है। तो इसमें उनके पास पहले से बायर हैं, इनको हम अब एपिडा के साथ जोड़ रहे हैं कि इनके जो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है इसको क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये इनिशियल स्टेजेस पे हमने ये शुरू किया है। तो भी और कारगिल में भी ये सेम सिचुएशन बन सकती है, बहुत सारी ऐसी नई क्रॉप्स हमने कारगिल में भी डिस्कस की थी जाके, अभी जस्ट टू मंथ्स बैक हम गए थे, तो बहुत सारी ऐसी नई क्रॉप्स हैं जो सिर्फ कारगिल और लेह के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूरे इंडिया में वो नहीं हो सकती हैं। पियोनी करके एक फ्लावर है, आप सर्च करेंगे, कश्मीर में भी होता है बट नॉट द राइट वराइटीज़ दे आर ग्रोइंग, वो वराइटीज़ हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी, बट वो फ्लावर है एक पियोनी करके है, वो 20 ईयर्स की उसकी कल्टिवेशन पीरियड है। उसमें हम फार्मर्स के साथ हैंड होल्डिंग चाह रहे हैं कि कंपनीज़ के साथ, क्योंकि नीदरलैंड की हमारे साथ कुछ टाइप्स हैं कंपनीज़ के साथ, और इसमें एक IHBT टेक्निकल पार्टनर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की इसमें थोड़ा सा इशू है, बट दिस कैन बी ROI जो है इसमें वो 30 ईयर से आनी शुरू हो जाएगी, बट थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर फार्मर ग्रुप है अगर कर सकता है तो हम हाफ ए हेक्टेयर इसको डेमोस्ट्रेशन के लिए देख रहे हैं वहाँ पे। ले में शायद एक हमारा फ्रूटफुल हो रहा है ग्रुप के साथ, कारगिल में भी हम चाहते हैं कि ये पियोनी क्रॉप को इंट्रोड्यूस करें, वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया होगा और 300 रुपीज अ स्टिक इसकी कॉस्ट है, अराउंड इसको 5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए फॉर 3 मंथ्स, तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो वहाँ पे मीट आउट होती है। तो मीनवाइल और भी क्रॉप्स हैं, तो हम कारगिल ले में ऐसा कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो आपकी क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग हम बल्बस क्रॉप्स को प्रमोट करें फ्लोरिकल्चर में, क्योंकि कारगिल से आपका श्रीनगर पास है और श्रीनगर से फ्लाइट काफ़ी हैं जो दिल्ली आ सकती हैं, तो हमने ये वैल्यू चेन भी पूरी स्टडी करी कि वहाँ से फ्लावर प्रोड्यूस होगा तो कैसे जाएगा, ले आ नहीं सकता क्योंकि 7 to 8 hours की जर्नी है, जबकि आपका श्रीनगर वहाँ से पास है 5 hours की जर्नी है। तो इसमें मिशन के थ्रू हम कोल्ड स्टोरेज डेवलप करवा रहे हैं और साथ में हम रेफ्रिजरेटेड वैन, अगर फ्लावर्स को देखें हम पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब हो जाती है, तो रेफ्रिजरेटेड कूल चेन हो सकता है जो कि हम बाहर की कंट्रीज में देखते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम इस मिशन के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट कर सकें FPOs को या फार्मर सोसाइटीज़ को, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। वो कारगिल में आपसे आप टाइप कर सकते हैं सर और इन क्रॉप्स को प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज एलैबोरेट अ बिट ऑन लोकल मार्केट्स जहां पे यूजली इस तरह की क्रॉप्स जैसे लिली फ्लोरिलस या ट्यूलिप्स हो गए, इंडिया में कौन सी ऐसी लोकल मार्केट्स हैं जहां पे अभी ये सेल हो रहे हैं? सो अदर देन दे टोटली अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मार्केट फॉर दीस प्रोडक्ट्स और फ्लोरिकल्चर की बात करें मैम, तो सबसे जो बड़ा मार्केट है वो गाजीपुर में है जो दिल्ली के पास है, दैट इज एशियाज बिगेस्ट फ्लावर मार्केट, बट उसको भी रेनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर हम चाइना में देखें जाके जो फ्लावर मार्केट्स हैं वो टोटली एयर कंडीशनड होते हैं, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है मैंने जैसे बताया, तो बहुत सारे इशूज़ हैं मार्केट को लेके, क्योंकि कूल चेन की सुविधा जब तक नहीं होगी तो हम लोकल मार्केट भी डेवलप नहीं कर सकते। जैसे हमारी डिमांड और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई तो हो जाती है क्योंकि हम पहाड़ों से भेज रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, और जो हमारे जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे आप कोलकाता की बात करें या फिर बॉम्बे की बात करें, फ्लावर मार्केट है, बट फार्मर्स को यही दिक्कत आती है कि लोकल में कैसे बेचें। तो लोकल के लिए जैसे साउथ में लूज फ्लावर्स प्रोडक्शन बहुत है, जैसे हम मैरी गोल्ड की बात करते हैं, क्रिसेंथेमम की बात करते हैं, लोकल मार्केट कम होता है, बट अगर आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपको बिगर मार्केट में जाना पड़ता है। मैं 2019 में नीदरलैंड गया तो मैंने एक डच फ्लावर एक कंपनी है पोर्टानोवा करके, तो 50 हेक्टेयर का वो रोजेज़ लगाते हैं, कट रोजेज, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि एल्समीर जो हॉलैंड में है वो सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। तो बोलते हैं कि अपने हम पूरे साल, मैंने क्वेश्चन किया था कि 14 February जब हमारा वैलेंटाइन वीक आता है तब फ्लावर्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होती है, तो आप कैसे मार्केट अपने को स्ट्रेटजी करते हो? उनका आंसर बड़ा अजीब सा था मेरे को लगा कि वो बोलते हैं कि हम जो हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट होता है ये ए ग्रेड फ्लावर्स होते हैं, हम उनको डायरेक्ट सेल करते हैं जो उनके फ्लोरिस्ट डिफरेंट कंट्रीज में हैं, और वो बी सी ग्रेड एल्समीर मार्केट में देते हैं। तो जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो उसकी मार्केटिंग वो ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है, उनकी खुद ब्रांडिंग है, और जो सेकेंड और थर्ड ग्रेड है वो पूरे वर्ल्ड में देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्स मार्केट हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम मंदिरों के पास क्लस्टर्स डेवलप करें जिनकी डिमांड और सप्लाई वहीं पर है, डिमांड भी वहीं पर है और सप्लाई भी वहीं से हम करें,
तो ऐसे छोटे छोटे हम मार्केट डेवलप कर सकते हैं जिनके हमारे जो छोटे किसान हैं उनको मार्केटिंग की प्रॉब्लम कम आए, जो अच्छे क्रॉप्स लगा सकते हैं, कट फ्लावर्स लगा सकते हैं, उनके लिए बड़े मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा अच्छी हो जाए, उस पे भी हम मिशन के थ्रू काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे पास बिक्सा और इलेना का अच्छा प्रोडक्शन है, उसका प्लांटेशन किया हुआ है, सिंदूरी का ये पौधा होता है जी जी, और उसकी सीड, और पिछले 4-5 सालों में हम लोगों ने अबव 5 क्विंटल कलेक्शन भी किया हुआ है, तो इसका उचित विपणन कहाँ हो सकता है और उसकी प्रोसेसिंग करके हम क्या प्रोडक्ट कर सकते, क्योंकि हमने उसकी सिंदूर बनाने की कोशिश की पर वो रेत जैसा ही ग्राइंड हो पा रहा है, उससे ज़्यादा ग्राइंड नहीं हो पा रहा है वो, तो उसका हम क्या प्रोसेसिंग कर सकें बिक्सा का, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन हमने ये किया है कि अपने आसपास गांव में उसका सीड बाल बनवा के उसको नेचुरल मतलब रीजनरेट करने के नाम से हमने उसको बरसात के सीजन में जून जुलाई में हर साल उसको हम प्लांटेशन के लिए सीड बाल दे के भेजते हैं, ये एक्टिविटी भी हम कर रहे हैं उसमें, तो बिक्सा का क्या प्रोसेसिंग हो सकता है, क्या उसके कुछ ऑप्शन है, और दूसरी चीज CSIR बहुत सारे काम कर रही है जिसको हमको देखने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है, तो हमारा इंस्टीट्यूट एक ट्राइबल क्षेत्र में ही स्थापित है, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, और हमारा डिपार्टमेंट भी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी यूनिवर्सिटी का CSIR के साथ MOU कर सकते हैं, या ऐसा कोई प्रावधान हो, या उसके लिए हम एलिजिबिलिटी रखते हैं क्या हमारा यूनिवर्सिटी, तो इस पे और बिक्सा और इलेना की प्रोसेसिंग, और स्टीविया का भी हम कर रहे हैं, तो छोटी यूनिट उसकी क्या हो सकती है, लो कॉस्ट में उसकी प्रोसेसिंग क्या हो सकती है। MOU तो आप हमारी इंस्टीट्यूट के साथ आप कर सकते हैं, और उनकी उसकी जानकारी डॉक्टर सुखजिंदर आपको देंगे, ये बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट ही हेड कर रहे हैं। रही बात इसी में, आई विल जस्ट ऐड अ पॉइंट, सो हमारा ऑलरेडी MOU है एज यू नो CSIR के साथ, और इनफैक्ट उसी मैकेनिज्म के थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, सो अगर आपके कोई भी रिक्वायरमेंट है सिंस आप उन्नत भारत अभियान के पार्ट हैं, आप हमें लिखिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन सिटिंग हियर, एंड देन वी कैन टेक इट अप विद CSIR एज द केस नोट, ठीक है। एंड रिगार्डिंग स्टीविया, तो स्टीविया में कल्टीवेशन आपकी कितनी है? एक ही, तो एक एकड़ प्रोसेसिंग के लिए तो काफ़ी कम है, क्योंकि इस स्केल पे आप कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाना इट्स नॉट फिजिबल। हाँ, सेड ड्राई करके देखिए, चीपेस्ट मेथड है कि सेड ड्राई करके आप उसकी पैकेजिंग करके डायरेक्ट लीफ को सेल कर सकते हैं, फार्मर अगर कर रहा है तो वो अपने लेवल पे कर सकते हैं उसको, क्योंकि स्टीविया के लीफ आप ड्राई करके डायरेक्टली भी कंज्यूम हो सकते हैं, एज ए पाउडर फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, और इससे आगे फर्दर जैसे आप प्रोसेसिंग में जाते हैं, सो यू नीड टू एस्टेब्लिश ए प्रोसेसिंग प्लांट, तो उसके लिए फिर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लिक्विड ड्रॉप्स भी बना सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आपने पायलट फैसिलिटी में आपने देखा होगा, तो यहाँ पे लिक्विड एंड पाउडर प्योर फॉर्म में, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे है, तो लेकिन इतने स्मॉल स्केल पे आप जितने कम प्रोसेसिंग करें उतना अच्छा रहेगा, अदरवाइज वो फिजिबल नहीं हो पाएगा। बिक्सा पे डॉक्टर पमिता से आप इनको रिटर्न में अपना और दे सकते हैं मैसेज मेल के थ्रू, एंड डॉक्टर पमिता उसको कर सकती है। हाँ, सिविल आंसर। हेलो सर,
Myself Shubham Pal, and I am from IIT Roorkee, BTech third year student. So sir, adding to sir ki haan stevia se regarding hai question. So sir, first of all thank you to CSIR ISBT ki hame yahan par aakar ke out of the box cheeze dekhne ko mili hain. मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ पर अपने क्लस्टर्स में जाता हूँ तो चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर तो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आप एप्पल का देख लीजिए, टी का हो गया, वो चीज़ें ऐसे उत्तराखंड के रुड़की में ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में नहीं है, पर फिर भी जानने को मिला और कुछ चीज़ें नई सीख करके यहाँ से जा रहा हूँ, जो मेरी कोशिश रहेगी कि हम अपने विलेजेस में किसानों के थ्रू कराएँ। और एडिंग टू तो सर कि हाँ, उन्होंने जो बोला कि किसान पहले रेडी नहीं होते हैं, वो चीज़ें प्रिवेल करती हैं और उसे हमें मानना पड़ेगा कि हाँ पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं होते। उसी में आगे बढ़ते हुए जैसे स्टीविया का है, तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि अपने इंस्टीट्यूट में अपने फैकल्टी एडवाइज़र भानु सर से ये चीज़ें बात करके कि हम अपने स्टीविया का अगर प्रोडक्शन अपने इंस्टीट्यूट में कहीं पर ऐसा पार्ट में अगर हम कर सकें तो वो बेनिफिट रहेगा, और आई एम थिंकिंग कि हाँ वो मान जाएंगे इस पर। तो उसके रिगार्डिंग अगर हमें जैसे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो गई कि क्या हैबिटेट होता है एक बेटर ग्रोथ करने के लिए, और मतलब जैसे सॉइल की क्वालिटी हो गई, वो चीज़ें चेकअप तो हमारे यहाँ पर भी हो जाएंगी इंस्टीट्यूट में, पर उसके रिगार्डिंग थोड़ी अगर ऐसे गाइडेंस या मिल सकती है आपकी तरफ से तो बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए। और फिर अगर आप सब लोग हमें सिखा देते हैं ये चीज़ें, तो हमारे जो UBA के मेम्बर्स हैं, BTech के स्टूडेंट्स, वो सारे जा करके अपने गाँव में इनफैक्ट करा सकते हैं। इनिशियली हम ऐसे ही स्टार्ट करने का सोच रहे हैं कि घर घर, जैसा अभी वहाँ पर उसने जब एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अगर दो लीव्स या तीन लीव्स डाल देंगे तो एक लोगों की चाय तैयार हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम कन्विंस उनको इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही करेंगे, जब वहाँ पर आकर के किसान हमारे यहाँ आते हैं इंस्टीट्यूट में, जैसे साइंस किट का हो गया, या फिर कई चीज़ें हम अगर इंस्टीट्यूट में कराते हैं, बच्चों से रिगार्डिंग हो गया, किसानों से रिगार्डिंग हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का हो गया, तो वो लोग आते हैं और वही सेम चीज़ हम अपने इंस्टीट्यूट में उन्हें दिखाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमें यही पूछना है कि आपके तरफ से कोई ट्रेनिंग वगैरह मिल सकती है क्या, और अगर लार्ज स्केल पर हम जब प्रोड्यूस करना चाहेंगे, जैसे हमारा क्लस्टर है, एक क्लस्टर में ऐसे 7,000 से 8,000 लोग रहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, जैसे इसका कॉस्ट है, आपकी तरफ से अगर हम कॉस्ट अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहेंगे इन केस नियर बाय फ्यूचर, तो आपकी तरफ से ऐसे कुछ सब्सिडी वगैरह आपके थ्रू अगर हम जाएँ तो मिल सकती है क्या लघु और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए? और सर दूसरी चीज़ है इंसेंस स्टिक्स का और कोन का जो फ्लावर्स के रिगार्डिंग है, मैंने रोबिन जोशी सर से मिलकर आया मैं, तो उन्होंने MOU का बोला, जो अभी दिव्या मैम ने बोला कि हमारा UBA का बना हुआ है सबके साथ, तो उसके रिगार्डिंग भी ट्रेनिंग का था कि हम डायरेक्टली सर अगर ये चीज़ें यहाँ के लोग अगर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं हमारे विलेजेस के, उनको अगर डायरेक्टली ये चीज़ें सिखा दें, जैसे कुछ वराइटीज़ ऑफ वो लोग इंसेंस स्टिक्स बनाती हैं पर उनकी जो प्रेगनेंस है वो ऐसे कम्पीट नहीं कर पा रही है मार्केट में, तो उसे लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, उसमें इन्हेंसमेंट या फिर नई चीज़ें जो सिखा सकें, और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, जो मशीन्स वगैरह हैं, वो चीज़ें अगर हमारे तक पहुँच जाएँ तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद सर। क्या बिजली ही नुकसान था रिगार्डिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स? स्टीविया का देखिए, स्टीविया आपके पास ऑलरेडी है या नहीं? मैम हम लगा स्टीविया की प्लांटेशन का तो आपको ट्रेनिंग यहाँ मिल जाएगी, एग्रो टेक्नोलॉजी का इवन कंसल्टेंसी भी मिल जाएगी। एक तो होता है कि हम आपको प्लांट्स दे रहे हैं और जहाँ सीड्स दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि आपने लगाना कैसा है, क्योंकि इसमें साल में 3 हार्वेस्ट रहते हैं, 3 से 4, ठीक है। तो उसमें हम टाइम टू टाइम आपको कैसे वहाँ पे आपके फील्ड पे नर्सरी रेजिंग का, कल्टिवेशन का, और उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग का, वो प्रॉपर हम आपको कंसल्टेंसी मोड में एक ट्रेनिंग भी देते हैं ना, जैसे आप ट्रेनिंग बोल लो, ठीक है, वो आपको ट्रेन करते हैं वहाँ पे आपके फील्ड पे जाके, ऐसा मोड रहता है। और दूसरा आप किसमें आगे, ये तो हो गया एग्रीकल्चर का पूरा, जो आपका ड्राई लीव्स तक है ना, जो वहाँ तक हम आपको प्रॉपर ट्रेन करेंगे, इसके ऊपर ट्रेनिंग दे देंगे जी। और सर आगे मार्केटिंग का, जैसे कहीं पर हो आप सबका जहाँ पर उसे हमसे कनेक्ट करा सकें, इन केस अगर नियर बाय फ्यूचर एक्सपेंड करते हैं। मार्केटिंग में कुछ हैं हमारे जो फार्मर्स आगे मार्केटिंग में बेच रहे हैं या कर रहे हैं, और कुछ एक ऐसे भी हैं जो दूसरे फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको उनके साथ लिंक करा सकते हैं, आप उनको प्रोड्यूस देखिए, आगे वो आगे मार्केटिंग का उनका मोड है। हाँ सर, दैट वुड बी बेनिफिशियल, वो हम करा देंगे। और सर इंसेंस स्टिक्स का मतलब प्रोसेसिंग यूनिट का कैसे होगा वहाँ पर, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपैंड करने को सोच रहे हैं सब लोग? प्रोसेसिंग यूनिट का ऐसा है ना, प्रोसेसिंग यूनिट में इसमें आपको हम 300 KG बैच कैपेसिटी का जो है वो हम रिकमेंड करते हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उसमें अराउंड 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रहती है।
उसके लिए एक प्रॉपर आपकी आपको एंटरप्रेन्योरशिप मोड पे आना पड़ेगा, और आपके सबसे पहले तो आपको उस हिसाब से आपको अपनी जो लैंड है या एक स्टीवी अंडर प्लांटेशन वो लेके आनी पड़ेगी। उसमें आपको पूरा एक जो मार्केटिंग का भी है वो प्रॉपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी है इसमें मैटर। स्टीवियल ग्लाइकोसाइड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है हमारी, वो अलग मोड पे, वो भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मोड पे दे देंगे, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है हमारी। सर इंसेंस स्टिक्स का जैसे फ्लास का है, हम सब लोग हरिद्वार से कनेक्टेड, हरिद्वार में टेंपल वगैरह है, दरगाह है वहाँ पर, इंसेंस की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इंसेंस कौन सा? हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो उनसे हम कनेक्टेड हैं सर। जो इंटरमीडिएट मटेरियल्स होते हैं उन्हीं पे आई थिंक फ्रेग्रेंस वगैरह थोड़ी डिफर कर रही है हमारी, वो अगर मटेरियल्स आप सब लोग क्या यूज करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो बेनिफिशियल रहेगा। ताकि सर आप टेंपल के साथ हमारा एसोसिएशन कर दो, हम तो उसमें कुछ चार्ज भी नहीं है हमारा उसमें, नो प्रॉब्लम, पैसे आपको दे देंगे, वो टेंपल देना आपके, हाँ उसके साथ लिंक करा दो हमारा, ठीक है, आप तो हैं ही साथ में, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, ठीक है, क्योंकि तो वेस्ट टू वेस्ट आ जाएगा उसमें, उसमें कोई चार्ज वाली बात नहीं है। थैंक यू। My name is Meena, representing Royal Academy of Law, Manipur, PI. And with me is Sir Anand, representing Manipur Technical University, which is another PI. And our RCI is NIT Manipur. Regarding the yesterday's bamboo demonstration that was held, based on that, my question is, since I have come from Manipur, which is a hilly region, and bamboo is widely grown and found in that region, and it is also one of the basic needs, which I can say, right from the childhood to the death. And many products are also made which help in the economy of the state, especially in the arts and crafts sector and in textile industry. And it is only the state which is making it, say, organizing some kind of exhibition or melas where products are sewn and sold in the market and to the people. So, being one of the basic needs and livelihood of the people of Manipur. So is there any kind of technology which can be intervened from the UVA where it can be enhanced more and people can be more dependent on it, replicate with the other product so that their livelihood also be more increased, and especially in the interior design and a seasonal like festivals, marriage related matters. So you are interested around bamboo products? Yes. Okay. So, we have adopted villages also under our institute. We have 5 adopted villages. So ye rural areas jo hai, ye adopted villages. So un logo ko kaise methods jo UBA se hum le sakte hai, jo jiski wajah se un logo ka ye livelihood bhi increase ho jaye aur cultivation aur plantation bhi aur ho jaye aur products bhi zyada usse banane banane mein madad kare. Ma'am, dekhiye isme hamare paas number of jo iske hain bamboos ki तो वैरायटीज हैं, जैसे एडिबल बैम्बूज भी हैं, ठीक है, और जो आपके हमारे पास अराउंड जो प्रोडक्ट्स हैं बनते हैं उसमें हम बैम्बू चारकोल पे हमारा काम है, ठीक है, बैम्बू चारकोल का वहाँ पे आपने देखा होगा, यू हैव सीन सर्टेन काइंड ऑफ बैम्बू चारकोल, यस, ओके, देन वी आर हैविंग बैम्बू फूड प्रोडक्ट्स, वी आर वर्किंग ऑन इट, एडिबल बैम्बू, तो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन फाइबर प्रोडक्शन, ओके, तो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है अराउंड बैम्बू as well as for the we are having the agro packages for the raising the bamboo, okay, so in this way we can help you, okay, and how to approach that, yeah, so, just write down a mail, okay, either to the director IDSB at IHBT or either to the BDMB or to me through the IHBT, okay, thank you. Any skilling activities possible, any skilling interventions possible for making bamboo crafts? Yeah, we are providing training, no? So that can also yeah that's included, no? That's good. Either through raising in the agriculture field or making the products. Hello everyone, so first main introduction de deta hu apna. Main Abhishek Singh hu, IIT Roorkee, civil engineering 3rd year, and
लाइक मैं यहाँ पे हमारे टीम लीडर शुभम, नितिन सर, अनुराग सर और नवीन सर के साथ आया हूँ। एंड बेसिकली जो हमारा यूबीए का जो ग्रुप है वो बेसिकली स्टूडेंट्स कम्युनिटी वर्क करती है, उस पर हमारे पास 100+ मेंबर्स है उसमें। एंड बेसिकली हम वेस्ट मैनेजमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और SHG ग्रुप्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे आया तो पहले तो सभी आप सभी का धन्यवाद हमको आमंत्रित करने के लिए, और कल के मतलब काफ़ी एक शानदार एग्जीबिशन था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला सभी लोग से। तो मैं मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड हूँ, तो एक तो मैं जैसे बैम्बू वाली जो टेक्नोलॉजी है आपकी, मतलब जो बैम्बू कल्टीवेशन है उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जैसे हमारे एरिया एक हरिद्वार और देहरादून के हमारे अडॉप्टेड विलेजेस है मेनली, तो मैं ये जानना चाहता था कि वहाँ पे बैम्बू का कल्टीवेशन का मतलब कितना स्कोप है, मतलब क्या संभावना है, क्योंकि बैम्बू का जो बिजनेस मॉडल होता है उसकी जड़ से लेके और लाइक टिप ऑफ द लीफ तक उसके हर चीज़ का अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने फूड प्रोडक्शन का बताया था, फाइबर्स निकाल सकते हैं उनसे, तो उस तरह से जैसे बैम्बू कल्टीवेशन का कितना मतलब है हरिद्वार और देहरादून के आसपास के मतलब रीजन में? बात हो जाएगा, नो प्रॉब्लम वहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग मतलब कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? हाँ, एग्रो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो ब्रोशर आपको शेयर कर देंगे। सर जैसे इसके मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं आप हमारी, जैसे कुछ प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो आपका अगर कुछ पैसे मिल जाता है? सर मार्केटिंग का हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग तो आप ही करनी है। ओके, ठीक है, आप किसी से कनेक्ट करवा सकते हैं हमें? कनेक्ट हम कोशिश करेंगे, मगर उसमें कनेक्शन भी आप ही का होगा, कनेक्शन तो आप ही नहीं करना है। कनेक्ट हम तो आपको नाम देंगे कि ये हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपका आप उसको आउटरीच कर सकते हैं। ओके, देखिए उसमें आउटरीच भी करना है तो वो जो अरेंजमेंट है वो आप ही नहीं करना है ना, किस रेट पे रहेगा, क्या नेगोशिएशन रहेगी, ठीक है, इधर इट्स थ्रू ए काइंड ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट और इट्स थ्रू सर्टन काइंड ऑफ अदर मोड्स। तो जो आप बिजनेस में जाते हैं वो चीज़ें रहती हैं, वो आप वहाँ हम फैसिलिटेट कर देंगे जितना आप हमारी साइड से होगा, मगर जो फाइनल है वो आप इसकी तरफ से जाएगा मार्केटिंग। और सर एक जो आपकी क्रिस्पी फ्रूट टेक्नोलॉजी फ्रीजिंग ड्राइंग, तो उसमें मेरे को ये पूछना था, जैसे बेसिकली आप लोग फलों को जैसे ड्राई कर रहे थे तो नॉन वेज चीज़ें भी इसमें ड्राई हो सकती हैं क्या? तो चिकन या मटन काफ़ी वेस्ट हो जाता है इनका। नहीं सर, नॉन वेज का तो हमने किया नहीं अभी इसमें ना, क्रिस्पी थ्रू पे नहीं किया। फ्लावर तो हो सकता है ये चीज़? हाँ फ्लावर का तो हो जाएगा। तो जैसे अगर डिफरेंट रीजन में हम जैसे बेचना चाहें हमारे वहाँ पे गांवों में ग्रो करवा के? सर देखिए इसमें जो क्रिस्पी थ्रू की आप बात कर रहे हैं ना, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ जिनकी निश मार्केटिंग है, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट जो है वो हर टेक्नोलॉजी में कई बार अगर हम लेके जाते हैं तो वहाँ आपको कॉस्ट कंपोनेंट देखने पड़ते हैं, ये कितना फिजिबल है, यानी कि फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, वर्कआउट करनी पड़ती है, तो फिजिबिलिटी तो देखनी पड़ेगी। जैसे ठीक है मैंगो में चलेगा, फ्रूट्स में चलेगा, ये प्रीत जी ने भी पहले बोला हुआ है कि फ्रूट सेगमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ कुछ वेजिटेबल के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा कौन सी तो जो वेजिटेबल है उसकी निश मार्केटिंग है और कहाँ पे हमने टारगेट करना है और क्या हमने उसकी प्रोडक्ट की पोजिशनिंग करनी, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। मतलब हर एक क्रॉप जो है वो अगर वो वहाँ पर लेके जाएंगे वो, क्योंकि ये खास प्रोडक्ट्स हैं वो किस रेट पर जाते हैं मार्केट में और उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, क्या वो पूरे सीजन में अवेलेबल हैं या कुछ टाइम के लिए अवेलेबल हैं, ये चीज़ें देख के ही आपको फिर कुछ चीज़ों को क्रिस्पी फ्रूट की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। और सर एक जैसे फ्लोरिकल्चर का मतलब बताया था आपने कि देहरादून और हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र में मतलब काफ़ी संभावनाएं हैं, हाँ जी, हाँ जी, ग्रो होने की, तो ऐसा कोई जैसे फ्लावर जो वहाँ पे हम एक व्यावसायिक रूप से ग्रो करवा सकें, क्योंकि काफ़ी हमारे फार्मर्स हैं जिनका लैंड पे वो कोई यूज़ नहीं करते? हाँ फार्मर्स जो हैं आपका, अगर आपकी कौन साथ कोई एसोसिएशन है फार्मर्स की आपने बना रखी? नहीं जैसे हमारा कनेक्ट है 5 विलेजों में, तो अच्छा। मतलब अच्छा खासा हमारा वो, हाँ, तो फ्लोरिकल्चर मिशन में लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मतलब कौन सी जैसे जो फ्लावर्स होंगे जो मतलब एक अच्छे व्यवसाय के रूप में वहाँ उभर सकते? बिल्कुल आप ना उनके हमसे शेयर कर देना, तो डॉक्टर भवे हम सब उनसे बात कर लेंगे और कौन से फिर इस एरिया के लिए कौन से अच्छे प्लांट्स रहेंगे, लूज कट फ्लावर कौन सा रहेगा, लूज फ्लावर कौन सा रहेगा, उस पर हम वर्कआउट कर लेंगे। हाँ उन फार्मर से बात करना पड़ेगा, लैंड कितनी अवेलेबल है ना, सॉइल कैसी है और कहाँ पे लोकेशन है, ये सारी चीज़ें वर्कआउट करके फिर जो स्पेसिफिक क्रॉप है, जो बेस्ट क्रॉप है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी प्लांटिंग के लिए। ओके थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज एंड माय डियर पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड IHPT फॉर कंडक्टिंग दिस इवेंट। I am Anand, Department of Civil Engineering, Manipur Technical University. Now, I've got multiple queries
but I'll try to keep it short. First is, yesterday I had met Sir Mohit also, and this is regarding extraction of essential oil from black rice. So I would like to know whether I can send sample through a formal letter, obviously. Yeah, yeah. That I can, if I can send sample to for the research part. Yep. Because we don't have the facility over there. We have got an institute, IBSD, but they don't have the equipment over there. And Sir Mohit had shown me a patented equipment over here. So I was hoping if I can send samples. Secondly, Sir have also mentioned that ginger and turmeric have been tested in the dry freezing equipment. I would like to suggest for you guys to try on pineapple, gooseberry, wild berries, and plum. Because this is widely available in our state, and if the technology can be transferred, it will be really beneficial for us. Thirdly, regarding the mushrooms, shiitake mushrooms, vitamin D enriched mushrooms, our university, we have tied up with a startup for women by women, Mahimarong. The name is Mahimarong. So they are now doing on oyster mushrooms. And in July, we are commencing our first training session under UBA to the 5 different villages. First, we will be targeting the women of the villages, and then the male counterparts will come in. So I was hoping if IHBT can also provide a week, 5 days or a 1 week course, some training course for the experts who will be teaching the villagers over there. So 2 or 3 people will come over here, they will get the knowledge, and they can impart the knowledge again back in our state. That is the third thing. The fourth thing is regarding bamboo technology. Our university again has signed an MOU with South Asian Bamboo Foundation, and we recently we have demonstrated bamboo reinforced some tanks, bamboo lamp poles. I'm currently mentoring one model of air purifier, double cycle air purifier made of bamboo and HEPA filters. And our next target is on bamboo charcoal, yeah, as filters again there too. So I was hoping how, till which level, both financially and technically, till which level IHBT will be willing to assist us in imparting the bamboo technology, in the implementation of the bamboo technology, if I give out the detailed problem statement and my requirements. If I give out my detailed problem statement and my requirements, because I don't want to keep it general as such. I want to target on specific issues related to bamboo technology. Regarding the LULC, sir, remote sensing and GIS part. So yesterday, he had explained that he had shown us one repository, one database, online database. He told me that it is available online. And they, IHBT is doing the survey for all over India. So I'm hoping when it is going to reach Northeast, because I can see some plans some in the database, which is there, but that is not done through the hyperspectral or multispectral methods. So I was hoping when it will reach the Northeastern region of our country. Then finally, regarding the purchase of units and technology transfer, the most important one. Yeah. We don't have the funding or the money as such, and I'm pretty sure most of the universities over here also has the problem of regarding funding. But one advantage is that since ours is a small state, Manipur is a small state compared to many of the other states, we don't need to create individual demands. We can create a common hub, a common place where all the PIs coordinate amongst ourselves and we can implement the technologies. So that is one of the advantage we have. So I would like to know how, till what level the unit, the purchasing of the units and technology transfer can be done under UBA. That can be, you can say, under certain kind of other forms. There is a state department of DST is there, okay? Like the Sikkim State Science Council is there, na? In Sikkim. Yeah. So if in your state, these kind of state councils are there, so you can procure these technologies through them also. Yeah.
So we are also going to sign one agreement for technology transfer to Sikkim State Science Council. So you can approve this. So as you are having body, certain body, na, like state council. So you can approve to them with IHVT for Shiitake Mushroom and regarding some other technologies. Na. So that will be definitely on certain charges basis, but not as much as we are charging from the entrepreneurs. So under those technology transfer agreements, we provide all the trainings to you, okay, and other technical knowledge. That is covered under technology transfer agreement. And there are certain technologies for which we can provide you the training, like extraction of essential oils, okay. Then there are certain crops, plantation of crops, which are covered under our aroma mission, floriculture mission. And definitely also for planting of hing or saffron. Okay. So there's training programs will also be provided to you, or we can provide you also the agri package practices. If you are able to implement as per this our standardized agriculture package of practices, so you can proceed further. Okay, so our certain brochures are also available at our website for agri technologies. And definitely there can also be certain kind of projects with the state government, okay, to proceed further. From here, I will talk to Dr. Akshat, na, as per the availability, no problem. Ma'am, bamboo charcoal is used in beauty products, okay, refinery purposes. Yeah. Like toothpaste is there, certain creams are there, then for refining the oil as well as refining the water. These are its uses. Yeah. Sir, I two, three summation, and specifically I'll mention for CSRI and Unnat Bharat Mission. In Hoshiarpur and Kandi area, Kinnu is, we have a focus to Kinnu. Hmm. Kinnu cha kafi jada dropping the problem because of climate, as much as 25 to 30%, I'd say. Aur us to bhi jada, there is a dropping of fruit. So, jada the problem aa rahi hai because now unmatured jo fruit hai, there is no table purpose, there is no market. But if that produce can be used for emulsifier or any other alternative use, so that technology can be really helpful for the farmers, because lot is get waste in the farm. Secondly, fruit like strawberry, Punjab, Haryana, we have quite a big cluster. Or jab ek garmi shuru hundi hai, somewhere in mid of February or March, story is same. Kafi jada jo strawberry hai, wo waste hoti hai wahan. So fruit leather is a good option that we can use to preserve and market the produce. So ye do problem hai jo day by day because of climate change, I would say jada badh rahi hai, and farmer ko kafi jada usme nuksan hai. Secondly, tha ki market ki bar bar problem aa rahi hai. I mean, all agripreneur startup sitting here, again they will ask, ya personally bhi aapse milenge, so they'll have the same query. So I would like to talk about, you know, an elephant in the room. Aur wo hamare paas jo window hai, just for knowledge of everybody, jo KVIC hai hamara, khadi and village industry, sir, uska लास्ट जो बैलेंस शीट है उसका टर्नओवर था 1,15,000 करोड़, जो इंडिया में किसी कॉरपोरेट की नहीं, इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर से ज्यादा है. और काइंड ऑफ नेटवर्क दे हैव, आई मीन दैट इज द लो हैंगिंग फ्रूट फॉर अस ऑल फार्मर और एग्रीप्रेन्योर. जिस नेटवर्क की, जैसे मैडम ने बात की कि अगर चेन्नई में कोई प्रोडक्ट यहाँ का चाहिए तो या तो अमेजन पे मिलेगा, यहाँ हमारे पास जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो KVIC का नेटवर्क है. तो
तो माई एक्सपेक्टेशन और आर एक्सपेक्टेशन आई वुड से फ्रॉम उन्नत भारत मिशन वो ये होगी कि जब हम टेक्नोलॉजी के लिए आज एक साथ यहाँ बैठे हैं और नॉट ओनली KVIC बहुत और चैनल हैं जो नेफेड जो नेशनल कोऑपरेटिव है दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जब हम ढूंढने लगेंगे ना तो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट जो ऑलरेडी मार्केटिंग में है बट इंटीग्रेशन किसी को किसी के बारे में पता नहीं है तो, गवर्नमेंट सर हमारी ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे मीटिंग मार्केट चैनल से आप कनेक्ट कराइए क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपके पास बार बार आएगी है सो व्हेन वी हैव अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक जिनका 125,000 करोड़ का टर्नओवर है तो मुझे लग रहा है हम बेवकूफ़ी होंगे जब उसको टैप नहीं करेंगे और हम वहां तक उनके नेटवर्क के बिना सप्लाई चेन का जो इशू आएगा ना वो दूर नहीं कर सकते हमारे स्टार्टअप्स के अपने चैलेंज है सो चैलेंज सबसे बड़ा होगा डिमांड क्रिएशन का सप्लाई चेन का डिमांड भी क्रिएट हो जाएगी निश प्रोडक्ट हैं अच्छे प्रोडक्ट हैं टेक्नोलॉजी के नाम पे बिक भी जाएंगे बट जब वो डिमांड करेगा तो डिलीवर नहीं हो पाएंगे तो ये सबमिशन और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए वन लास्ट थिंग जो मैं कहूँगा कि जितने हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये टेक्नो कमर्शियल टीम बन सकती है तो हमें यहाँ जाने के बाद चाहे तो किसी ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में एटलीस्ट कीप अस ऑर्गेनाइज्ड हमें इकट्ठा रखिए हम आपस में भी कनेक्ट करते रहें मैन समवन कैन जस्ट कोऑर्डिनेट अस क्योंकि हो सकता है किसी ने कॉन्टैक्ट एक दूसरे से शेयर ना की हो अ लॉट वी कैन शेयर विद कोई तमिलनाडु के प्रोडक्ट हम पंजाब में लेके आके भेज सकते हैं एंड वी कैन एक्सचेंज अ लॉट बिटवीन अस ये कुछ समेशन है थैंक यू सर गवर्नमेंट की तरफ से है कुछ मार्केटिंग का है चाहे वो KVIC की बात कर लें प्राइवेट की बात कर लें या फिर कुछ कोऑपरेटिव की बात कर लें तो देखिए ये तो एक जो है वो मार्केटिंग चैनल इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं कुछ ना जैसे कोऑपरेटिव हैं हम बात कर रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किए हैं अपने खुद के किए हैं कुछ नहीं और कुछ एक हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं जैसे अभी आपने एग्जांपल KVIC की दे दी है ना कुछ प्रोडक्ट वहाँ भी लॉन्च हो सकते हैं हमारे फिर वो चैनल्स अलग अलग आपको आइडेंटिफाई तो करने पड़ेंगे इवन स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कुछ वो भी इस पर काम कर रही हैं उनके भी अपने हैं नेचुरली है जो देखिए जो हमारे साथ MSME में जुड़े हैं कुछ क्लस्टर्स जुड़े हैं ना तो उनसे फिर वो खुद ही KVIC या दूसरी बॉडीज की बात करते हैं वो जुड़ जाती हैं मार्केटिंग के लिए वनकम आई एम भूपालन फ्रॉम तमिलनाडु पचेपास कॉलेज फॉर मेन प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन अंडर IIT मद्रास So first of all, thanks to entire team of the organizing committee. So it is a wonderful opportunity. Yesterday, very much impressed, and it is so good, and so many things are showcasing, and I am interested and identified out of 43. So my question is how. Please give the guideline for disseminations of identified technology to my adopted village in ground level. This is my raising a question. And it is possible give the CSIR IHBT and their products to event participants. Why don't you give? Just give the samples for. Here, so many products are available. CSIR, IHBT. So, why you have identified some products like that? Some dried, dehydrated apple. Okay. And a dehydrated banana. Bars. Actually, certain of our bars are also available at our canteen. That's what can purchase here. Okay. And for these crispy fruits. So I will try my best to arrange all these products for you or either I can also later on we can share to you through you can say send through courier or other mode as per their availability. Especially that the apple is very much interested at the time of tasting so much wonderful things. Thank you one and all the behalf of Pachibas College for Men Kanjipuram and even participants. Thank you.
Hello, good afternoon all. Good afternoon, sir. My name is Jaydeep Bora. I am from Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat. Sir, we are having our colleagues from Srimad Rajchandra Mission, Valsad, and Parul University, Vadodara. Our team has interested in first, shiitake mushroom production plant, second, food processing of energy bars, third, low chili apple plantation, fourth, steva processing, okay, and fifth is hing growing. In this, the shiitake mushroom, food processing of energy bar and steva processing, there is a lots of machines, okay. In this, we require the complete detailed process report in which all the prerequisites, geography information, where it can be grown, the environment required, the labor skill or unskilled, what kind of their requirement, what timing of training, if any future of troubleshooting, who will entertain, and what is about the maintenance, and what will be the hand-holding period. After this, we also require a business model in which capital infrastructure cost, working capital means cost of machineries, and running cost, what kind of salary and how many person can be salaried and can be benefited by using this technology, and total cost, and one kind of a balance sheet, annual balance sheet, that after adopting this technology, this much profit can be earned and this much amount can be salaried to the person. So we require this data. We have again question, but sir, if you answer one by one. Yeah, yeah. Actually, we provide all these kind of information through technology transfer agreements only. Okay. But in the initial stage, we can provide you some samples, either on chargeable basis, or we can provide you the techno-commercial details. What will be the investment? What will be the recovery? What will be the cost of production? What will be the net present worth? What will be the internal rate of return? What will be the payback period? And what will be the benefit cost ratio? Yes. Sir, how much it is? It varies, sir. Actually, if you are a group of farmers, okay, or a micro industry, it is not so high. It ranges from, for some technologies, these are less than 50,000, okay? Maybe 40,000 or 50,000. Certain technologies ranges from 1 lakh to 2 lakhs. Certain are up to 5 lakhs. Like in case of stevia processing, it is up to 10 lakhs. Okay, so technology transfer cost varies as per the technology. Sure. And as per the, actually its cost of development, it depends on the cost of the technology development. It's, you can say, the scope in the market, okay? It's market potential. So all these components, firstly we evaluate, then we fix the technology transfer cost. Sir, for shiitake mushroom? It's 5 lakh. For giving the data about all these details? Yeah, yeah, yeah. No, not data. We provide you the technology, full technology. Full technology. Yeah. And in the technology agreement, incorporates all these details which you are mentioning. Besides this, we will share the proper list of the machinery, proper process, okay, then validation data. Okay. Then we also provide you the, you can say, the trainings here up to 7 or 10 days for one or two persons. Then we will provide you the demonstration here, how to make this shiitake mushroom. And when you set up, is ready at your site, then one more demonstration is provided there. And besides this, if you are facing any kind of problem, you can contact us. Sir, why shiitake? Can you give some comparison or benefit of shiitake mushroom over the ordinary oyster and button mushroom? Yes, then that we will provide you. And sir, we also required, if mushroom sabhi log kha sakte, kya isme koi badha hai? Kya kuch Indian Council of Medical Research ki validation bhi approve hame chahiye? Shiitake mushroom ka dekhiye. एक होता है, किसी को एलर्जी है, क्या वो देखना पड़ेगा कि किसको किससे हो जाती है, कभी बोल सकते हैं, मगर यह है कि शिटाके मशरूम का अभी तक जो है हमारा, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आई नहीं, जो कंज्यूमर्स हैं
इवन हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं दे आर सेलिंग इन द मार्केट सो वी हैव नॉट गॉट एनी काइंड ऑफ दिस यू कैन से द इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट दैट दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर कंज्यूमिंग पिताके मशरूम नथिंग यस सर एंड सर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रक्षक सर दे हैव टोल्ड दैट शीटाके मशरूम what IHBT Palampur has signed with a private company. They are selling their fresh shiitake mushroom and dried shiitake mushroom to the buyers from the America and Canada. So that can we provide, can we export from Surat if we plant? If sir, you link with us with that buyer? With the buyers of based on Canada and America? Yeah, we will try. Yes, sir. Thank you, sir. And sir, related to energy bars, for iron-rich food, we can give in the midday meal and Anganwadi of the government school, because adults and girls facing issues related to iron efficiency, and we are aiming to implement this plant for the midday meal scheme, and we want also to collaborate one. MOU or one kind of agreement with our state government of Gujarat, and we also try to implement this project. Yes. You can intervene our technology under this project. Sir, what will be the next step? Sir, मैंने तो आपको कह दिया कि इतनी इतनी चीजें हम करेंगे सर. Step वही है सर, एक mail डाल दो. एक mail डाल देना है सर, और पूरी information हमें आ जाएगी. जो आपने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया. ओके, आई विल शेयर यू द ड्राफ्ट एग्रीमेंट. और सर, सो दैट यू कैन गो थ्रू ऑल दिस टाइम ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ना, देन वी कैन वर्क. यस, अकॉर्डिंगली. और सर, हमारे पास लेबोरेटरी भी है, तो हमें भी सर स्पॉन्ज चाहिए ये मशरूम के. करेंगे बात सर. और सर, हमारे पास हिली एरिया भी है वलसाड में, तो वहाँ पे अल्टीट्यूड 675 मीटर है और अबोव 500 मीटर है, तो हमें भी सैपलिंग्स अगर मिल जाए एप्पल की, तो हम भी वहाँ पे ट्राई कर सके. हाँ, कोई नहीं, सारा उसमें इनकॉर्पोरेट कर दो, है ना, मेल में सभी जो पॉइंट्स हैं आपके, तो इसमें हम वर्क कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम विनोद है और मैं पारूल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात से आया हूँ. मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है देहरादून वाले सर ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की और निर्मला मैम ने जो बात किया, इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी में एक इनिशिएटिव लिया है. वी हैव टेकन इनिशिएटिव कोल्ड थैली प्रोजेक्ट. थैली इज द गुजराती वर्ड कोल्ड नॉन वूवन बैग. जो नॉन वूवन बैग, सबसे पहले बोलते हैं कि घर से शुरुआत करो अगर प्लास्टिक बैन करना है तो. तो सबसे पहले हमने हमारी यूनिवर्सिटी में प्लास्टिक बैन किया है. अगर सब हमारे यूनिवर्सिटी में 24 कैंटीन्स आर देयर एंड दे ऑल आर यूजिंग प्लास्टिक्स, सो अगर प्लास्टिक बैन करना है तो सबसे पहले लोगों को आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन देना पड़ेगा. और हमने क्या किया कि हमारे यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग देयर आर सो मेनी विलेजेस एंड वीमेन आर वेरी गुड एक्टिव इन स्टिचिंग वर्क, सो हमने थोड़ा बहुत एफर्ट डाला और रॉ मटेरियल जो नॉन वूवन बैग का आता है वो लेके उसके पास स्टिच करवाया. और मुझे लगता है वो बहनों ने छोटी छोटी बैग्स तैयार किया है. मैं माफ़ करना, मैं लेके नहीं आया हूँ, वरना मैं आपको वो बताता. पर वो छोटी छोटी बैग जो नॉन वूवन बैग्स है वो उसने स्टिच किया और हमारे यूनिवर्सिटी में जितने भी कैंटीन्स है वो सब कैंटीन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ सैम्पल ऑफ सब कैंटीन में. और एज अ आउटकम ऑफ दिस प्रोजेक्ट सबने उसको एज अ सक्सेस स्टोरी एक्सेप्ट भी किया और सब लोगों ने अभी वो प्लास्टिक बैन कर दिया अपने कैंटीन में. और अभी वो जो नॉन वूवन बैग में वो अभी जो भी प्रोडक्ट है वो भी जो भी खाना बाना देते हैं वो अभी सप्लाई करता है. और इसके बदले में जो विमेन है वो विमेन जो स्टिच करती है उसके बदले में उसको ऑनरेरियम मिलता है. तो हमारा जो सेल है, जो सोशल रिस्पॉन्सिव सेल है, वो मीडिएटर के रूप में वहाँ पर काम कर रहा है. और अभी तक हमारी जो रूरल वीमेन है उसने करीब 30,000 बैग स्टिच की है. और कोरोना के टाइम में सेकेंड वेव में उन लोगों ने करीब 1.5 लाख मास्क स्टिच किया है. तो ये कहीं ना कहीं जो लोग प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं
वो ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेके काम करेंगे तो मुझे लगता है रूरल वीमेन को भी फायदा मिलेगा और हम जो हम प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का जो इश्यू फेस कर रहे हैं इसके लिए भी हम हमारा वीमेन का और हमारी यूनिवर्सिटी का एफर्ट भी इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू स्पेशली CSIR एंड IHPT पालमपुर और UBA जो लोग हम यहाँ पे लेके आए और हमको इतना सारा इनपुट्स मिला. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. मेरे ख्याल से अभी सभी के क्वेश्चंस होंगे तो हम आगे वन मिनट सर. कंटिन्यूशन ऑफ UBA. So this is the back actually our UBA women. We have given training. They stitch this back and we are also providing marketing support to them, sir. And another thing, this bag is distributed to various places for conference and other purposes also. We are moderating and they are selling, sir. Not only for conference, this is a little quality bag for a vegetable purchase and for a cake ordering. Different quality of bag, different rate actually. उसके हिसाब से उसके मेजरमेंट के हिसाब से विमेन आर परचेसिंग. अनदर थिंग रिगार्डिंग वाटर बॉटल दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन अंडमान निकोबार आइलैंड. दे आर कमिंग एंड टेकिंग वाटर बॉटल दे आर थ्रोइंग इट अवे एंड फाइनली दैट इज कमिंग टू द सीशोर एंड वी आर डूइंग स्वच्छ भारत अभियान. नेक्स्ट वीक अगेन वी आर डूइंग स्वच्छ भारत अभियान. एवरी वीक वी आर डूइंग स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया एंड दे आर कमिंग एंड डंपिंग एंड दे आर गोइंग. फॉर दैट पर्पस वॉट वी हैव डन दिस काइंड ऑफ कार्ड वी हैव प्रिपेयर्ड. आई एम ए स्वच्छ इंडियन मीन्स I will not litter. So the tourists those are coming to Andaman Nicobar Island through UBA volunteers, through UBA team. So we are telling them whatever water bottle you are taking from Andaman Nicobar Island while you are going, if you are submitting to us in the hall, which is made purposefully for this purpose in front of the port, in front of the airport, there we will give you, we will honor you in the name of the Swachh citizen. I am a Swachh citizen. It's a small initiative. Small girls and small children, those are coming from mainland Delhi and other parts of India. They have started initially. They have handed over the water bottles to us. And we are again sending this water bottle to the mainland for recycling. In Madurai college, they are making the plastic tar road. So we are sending, sir, in order to make अंडमान छोटा सा द्वीप है, उसी का और भी हम लोग बहुत सुंदर करने के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव है. उसी के लिए हम उन्नत भारत अभियान टीम का दिल्ली का और हमारा रीजनल कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट AIIT चेन्नई का धन्यवाद देना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. और अभी हम बढ़ेंगे इसके बाद आगे जो प्रोसीड करेंगे वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर विपिन हल्लन जी हमारे जो HBT में. सबसे पहले हम समराइज कर लेते हैं एक बार सेशन and then we'll proceed for both the times. जी जी मैम. The queries हम please अब lunch time पे लेंगे. प्रतिशत प्रोडक्ट बारले कॉफी स्टार्टअप पंजाब. देखिए ये जो बारले कॉफी का ये हमारे पास एक स्टार्टअप है, मतलब हमारे पास एक इंक्यूबेटर है तो उसको हमने दिया हुआ है बारले कॉफी का. तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो. हाँ अब मैं आपकी बात करा दूंगा डॉक्टर मीट से, तो उसको प्रोसीड कर सकते हैं वहाँ भी आप. जी मैम बढ़िया. और मैं डॉक्टर हमारे अजय सिंह जी और डॉक्टर दिव्या को बोलूँगा आगे जो प्रोसीड करें तो वो फॉरवर्ड करें. राइट. थैंक यू सो मच. वी वुड लाइक टू थैंक CSIR IHPT फॉर होस्टिंग सर नाइस two-day technology demonstration and networking meet. The participants of UBA have gone through the technologies which might have taken painstaking efforts to build and research and work of years and decades. So the technologies that you have gone through, जो आपने देखा है technologies, तो थोड़ा सा उसको हम summarize करेंगे कि way forward क्या है हमारे लिए. तो जितना भी ये डिस्कशन हुआ है तो हमने उसको मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया है. आप RCIPI जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी मीट कर सकती है, वो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी CSIR IHPT के पास है, अगर वो मीट कर सकती है उसको, दैट्स ग्रेट. कुछ प्रॉब्लम्स आपने जो इशू की हैं, जो बताई हैं, देर आर ऑलरेडी सम टेक्नोलॉजीज अवेलेबल
विद अदर इंस्टीट्यूट्स हमारे नेटवर्क में जो हैं, अगर उनसे वो मीट कर सकती है तो वी विल ऑल्सो लुक इन टू दैट। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर जो टेक्नोलॉजीज उनको मिटिगेट कर सकती हैं, रिजोल्व कर सकती हैं, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि किस टाइप की टेक्नोलॉजीज आगे डिवेलप हो सकती हैं। तो अभी ये जो हमारा सेशन था, दो दिवसीय ये कार्यक्रम रहा, इसका मेन फोकस ये था कि वी वर्क लाइक अ कंड्यूट, एक पाइपलाइन की तरह हम काम करें जिसमें एक डायलॉग हो जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले साइंटिस्ट हैं, प्लस गांव में जो समस्याएं हैं, लोग जो फेस करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एक साइंटिफिक एक स्टेटमेंट की तरह यहाँ आप लोग लेके आए हैं, और उसके ऊपर अभी साइंटिस्ट विल ट्राई टू यू नो ब्रिंग सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, उसको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि हमने डॉक्यूमेंट किया है इसको, तो कुछ दिन के बाद हम आपको एक फॉर्म सेंड करेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। उसमें आप अपना रिस्पॉन्स हमें भेजिए, उसके बाद जो भी आपका टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है वी विल ट्राई टू नेटवर्क एंड मेक श्योर दैट दोज टेक्नोलॉजीज कुड बी स्केल्ड डाउन, राइट। तो वी विल कोऑर्डिनेट विद CSR, IHPT एंड द पूल दैट वी ऑलरेडी हैव, राइट, द पूल ऑफ टेक्नोलॉजीज और द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स दैट वी हैव, सो वी विल ट्राई टू ब्रिंग देम टुगेदर, राइट। तो इसके साथ वी विल लाइक एज आई सेड एक फॉर्म सेंड करेंगे, और दूसरा कोई फीडबैक अगर आप कुछ देना चाहते हैं जो आप यहाँ नहीं बोल पाए, प्रोबेबली टाइम भी बहुत कम रहा, एंथुजियास्टिकली आपने पार्टिसिपेट किया, कुछ ऐसी बात है जो UBA की तरफ से आप के साथ आप डिस्कस करना चाहते हैं, सो वी आर अवेलेबल आफ्टर द सेशन आउटसाइड। सो विद दिस थैंक यू सो मच। अभी मैं डॉक्टर विपिन हलन जी को निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए शब्द बोले, और इसके बाद मैं बता दूंगा कि वहाँ पे यहाँ पे हमारे नेशनल एंथम होगा और जो हमारे बैठते हैं वो यहाँ आ जाएंगे नीचे, उसके बाद नेशनल एंथम शुरू किया जाएगा और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे लंच के लिए गेस्ट हाउस में। और सभी हमारे यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं पार्टिसिपेंट्स और हमारे जो कमेटी मेम्बर हैं उनको भी निवेदन है कि वो सभी वहाँ पे आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुखजिंदर। मैं भी आज सुबह से और कल भी आप लोगों से कनेक्टेड रहा, और जो जितना एंथुजियास्टिकली एक्चुअली एंटरप्रेनर्स ने इंटरेक्ट किया, और मेरे ख्याल से ये होना बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है जो निस्पर और UBA ने जो प्रोवाइड किया है IIT दिल्ली के थ्रू, और तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि सभी एंटरप्रेनर्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने और उसके साथ साथ उस टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से फार्मर्स तक और विलेजर्स तक पहुंचाना है उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले तो सभी एंटरप्रेनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और निस्पर और UBA और विज्ञान भारती का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये बहुत अच्छी पहल की है, और बाकी CSIR की टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ अब IHBT की टेक्नोलॉजीज़ को भी मासेस तक पहुंचाया जाएगा, जो एक बहुत अच्छा कदम है। और पिछले दो दिनों में जो इंटरेक्शन हुआ है और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार रखे, उनमें मुख्य अतिथि डॉक्टर शशि धीमान जो उप कुलपति हैं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया। और कार्यक्रम के जो गेस्ट ऑफ ऑनर रहे श्री प्रवीण रामदास जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं विज्ञान भारती के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने बहुत अच्छे अपने विचार रखे, और मेरे ख्याल से ये हमारे एंटरप्रेनर्स जो उद्यमी हैं और साथ में जो HODs हैं और जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो टेक्नोलॉजी से कंसर्न्ड हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, लाभप्रद होगा। और निस्पर की जो डायरेक्टर डॉक्टर रंजना अग्रवाल, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने एक संदर्भ स्थापित किया, सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, और एक अच्छे तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया,
प्रोफेसर विवेक कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं उन्नत भारत अभियान के IIT दिल्ली में, और इस कार्यक्रम में उन्होंने ऑनलाइन जुड़े हो और उन्होंने इस अभियान का नेतृत्व करते हुए और ये बताया कि भाई किस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को हम लोग बदल सकते हैं, और बिकॉज भारत की अपनी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान हम ही लोगों को करना है, और उसके लिए ये जो पहल की गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर रवानी जो NIT रायपुर के निदेशक हैं, उन्होंने अपना संभाषण दिया जो फास्ट ट्रैक रूरल लाइवलीहुड टेक्नोलॉजी थ्रू उन्नत भारत अभियान, और मेरे ख्याल से भारत में जो इन टेक्नोलॉजीज को ग्रामीण परिवारों तक ले जाने के लिए और उनकी आजीविका को विकसित करने के लिए इस केंद्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने निदेशक महोदय का उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर योगेश सुमन का जो सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं इस पर, डॉक्टर अजय सैनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन्नत भारत अभियान, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर चंद्रभूषण, और जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस कार्यक्रम को आप लोगों तक लेके आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन भी साइंटिस्ट लोगों का और बाकी जितने भी स्टाफ इसमें इन्वॉल्व रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली सभी विभाग अध्यक्ष, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट डॉक्टर सुखजिंदर, और जो वैज्ञानिक स्टेज पर मौजूद हैं और इन्होंने जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो उनका योगदान है बहुत बहुत सराहनीय है, और अंत में इन सभी का धन्यवाद जिनका हो सकता है मैं किसी वजह से नाम ना ले पाया, लेकिन आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि डॉक्टर सुखजिंदर ने बताया हम लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। थैंक यू। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा सिंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मांगे, ताहे तब जय दाता। जन गण मंगल गायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे। Thank you.